आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर करना, और हाँ कमेंट कर जरूर बताना, और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिस्टर गू गेम कंपनी का प्रेसिडेंट, जिसमें इंटेलिजेंट, रूड, हैंडसम सारी क्वालिटीज हैं, बट लव नाम की चीज तो उसकी डिक्शनरी में है ही नहीं, क्योंकि उसे गर्ल्स से एलर्जी है। आई मीन गर्ल्स के टच करते ही उसकी बॉडी पे रैशेस हो, वो बेहोश। इनफैक्ट ये सब उसके एक बचपन के इंसिडेंट की वजह से हुआ था, जिसके उसे हर रात सपने भी आते हैं। दूसरी तरफ नुआन नुआन, उसने अभी अभी एनिमेशन से ग्रेजुएशन किया है, सपना है गेम कंपनी में एनिमेटर बनना, बट वो बहुत अनलकी है, इतना कि छोटा बच्चा भी उसकी टूटी साइकिल से आगे निकल जाता है। वो उस दिन नुआन नुआन की सीनियर उसे कॉल कर बताती है कि इंटरव्यू शुरू होने वाला है, तो भी पहुँची क्यों नहीं। नुआन नुआन कहती है, मैं हार नहीं मानने वाली, अभी पहुँचती हूँ। पर एक अंकल को बचाने के चक्कर में बेचारी भुड़क जाती है और उसका फोन गटर में, ऊपर से एक कार उसके ऊपर कीचड़ उछाल के चली जाती है, और वो थी मिस्टर गू की कार। प्रेसिडेंट के आने की आवाज़ सुनते ही सारे एम्प्लॉयज भाग के काम पे लग जाते हैं, वो भी ग्लव्स पहन के, क्योंकि मिस्टर गू को गंदगी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। एक एम्प्लॉय ने अपनी वाइफ का एक ग्लव पहन रखा था, तो वो उसका बोनस कैंसिल कर देता है। नुआन नुआन जैसे तैसे पहुँच जाती है, पर उसके फेस पे गारा लगा था तो वो साफ करने भागती है, क्योंकि इंटरव्यू रूम का गेट बंद होने वाला था। बेचारी नुआन नुआन की फूटी किस्मत, गेट बंद और उसका थोपड़ा शीशे पे। वो गेट खोलने को कहती है क्योंकि वो सिर्फ 10 सेकंड लेट थी, बट एम्प्लॉय बताती है कि अगर तुम सिर्फ 1 सेकंड भी लेट होती तब भी बॉस गेट खोलने नहीं देते। वो जिन जो मिस्टर गू की कंपनी में ही जॉब करती है, नुआन नुआन को कंसोल कर रही थी, क्योंकि अनलकी होने की वजह से नुआन नुआन के साथ हमेशा ऐसे ही होता है, तो कहती है ऐसा नहीं है, तेरा दिल तो अनलकी नहीं है ना फेयरी। नुआन नुआन वाज लाइक हाँ, पर अनलकी फेयरी। तभी वो देखती है वहाँ पे वही कार खड़ी है जिसने उसके ऊपर कीचड़ फेंका था, तो कहती है सुन कार, तेरे मालिक की वजह से मैं लेट हुई। कार के लाइट हॉर्न ऑन हो जाते हैं, तो वो गुस्से से लात मारने वाली थी, बट उसका शू उड़ता हुआ मिस्टर गू के आगे आगे गिर जाता है, तो नुआन नुआन लंगड़ाती लंगड़ाती अपना शूज पहनती है और कहती है ये तुम्हारी कार है ना, तो चलो कम से कम मुझसे एक बार माफी मांगो। बट मिस्टर गू वाज लाइक कहाँ से आते हैं ऐसे लोग। क्या वो कहता है ये इंटरव्यू में लेट थी। वो उस दिन उससे कुछ कहने वाली थी, तो कहती है सिस्टर तुम चुप, इस खड़ूस को तो मैं सबक सिखाती हूँ। मिस्टर गू से दूर हो रहा था। वो उस दिन कहती है यही गेम कंपनी के प्रेसिडेंट है। शी वाज लाइक तो मैं क्या करूँ। वॉट, मिस्टर गू कहता है मैं तुम्हें इंटरव्यू के लिए और चांस देता हूँ, हिम्मत है। वो हाँ करती है। नेक्स्ट दिन में वो कटघड़े में खड़ी थी और मिस्टर गू से 2 फीट दूर। वो पूछता है तुम्हें तो एनिमेशन का बिल्कुल एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो यहाँ के झाड़ू पोछा करने आई हो। नुआनन कहती है बचपन से गेम और कॉमिक्स मेरी फेवरेट हैं और मैंने खुद का एनिमेशन बनाया है, बट जैसे खोल के देखती है वो तो गीला हुआ पड़ा था। इनफैक्ट मिस्टर गू की कार ने ही उस एनिमेशन का ये हाल कर दिया था। मिस्टर गू जाने लगता है, तो कहती है मैंने जानबूझ के खराब नहीं किया और ना ही जानबूझ के लेट आई, बस थोड़ी अनलकी हूँ, प्लीज मुझे एक चांस दे दो। बट ही वाज लाइक स्टॉप, अगर तुम्हें सच में परवाह होती तो तुम टाइम से पहले आती और अपने एनिमेशन को संभाल के रखती, अनलकी का बहाना नहीं बनाती, गेट आउट। फिर वो बेचारी रोती हुई वापस जा रही थी, तभी उसके मॉम का कॉल आता है जो पूछती है रो क्यों रही है, पैसे खत्म हो गए क्या। वो कहती है नहीं ऐसा नहीं है, पैसे हैं मेरे पास। मॉम कहती है पता है तेरे डैड और मुझे कितनी चिंता रहती तेरी, जल्दी से अपने लिए बॉयफ्रेंड ढूंढ ले जो तेरी केयर कर सके। शी वाज लाइक आप फिर से शुरू हो गई, और फोन काट के कहती है अभी तो मैं सिर्फ 22 की हूँ। पता नहीं मॉम हमेशा मुझे ब्लाइंड डेट पे क्यों भेजती रहती हैं। डैड उसे मैसेज कर कहते हैं तुझे पैसे चाहिए हो तो मैं तेरी मॉम से छुपा के भेज दूंगा, तो वो इमोशनल हो जाती है और फिर बैठी खड़ूस मिस्टर गू को गालियाँ दे रही थी। वहीं पे एक एम्प्लॉय भी मिस्टर गू को खड़ूस बोल रहा था और फिर उसके जूस की तरफ देखने लगा था, तो नुआन नुआन उसे जूस दे देती है। वो जूस पीकर कहता है मेरे पास सिर्फ यही है, तुम ले लो, इससे तुम्हें गुड लक मिलेगा। नुआन नुआन वाज लाइक गुड लक, ये तो ग्लासेस हैं। मॉर्निंग में उसका भाई यंग कहता है मुझे लेने आ जा, वरना तेरा अकाउंट नंबर यूज करके लग्जरी कार में आऊंगा। शी वाज लाइक रुक वहीं पे, मेरा बैंक बैलेंस खाली मत कर दिए, अभी आके तेरी खैर लेती हूँ, और भागती भागती ग्लासेस लगा लेती है। बट ग्लासेस पहन के उसे कुछ अजीब दिखाई दे रहा था, तो आईज साफ करके फिर से पहनती है, पर इस बार भी लोगों के ऊपर स्पार्कल दिखाई दे रहा था। नुआन नुआन को तो यकीन ही नहीं हो रहा था, पर बॉक्स के अंदर एक नोट पे लिखा था जिस लड़की के पास गोल्डन स्पार्क होगा वही तुम्हारा गुड लक है। ऑफ कोर्स नुआन नुआन को यकीन नहीं आता, बट देखती है कि सेम स्पार्क वाला लड़का उस लड़की को प्रपोज कर देता है, तो सोचती है
यानी ये सच है? पर क्या मेरा गुड लक भी मेरी तरह लकी होगा? तभी मिस्टर गु की एंट्री होती है और उसके पास था गोल्डन स्पार्क, तो कहती है मिल गया, और फिर उसके पीछे पीछे उसी होटल में घुसने लगी थी। गर्ल्स की एंट्री अलाउड नहीं थी, बट वो फिर भी अंदर घुस आती है और सोचती है अगर ये मेरा गुड लक होगा तो मेरी तो किस्मत ही चमक जाएगी। बट उसे फ्लावर पॉट गिर गया था। मिस्टर गु उसे पीछे मुड़ के देखता है तो वो भाग के जा वॉशरूम में घुस जाती है। बट मिस्टर गु आकर कहता है फिर से तुम यहाँ पे भी एनिमेशन करने आई हो क्या, और उसे झूठी बोलकर चला जाता है। इधर यांग कहता है ये सिस्टर अभी तक आई क्यों नहीं, कहीं वो अल्लाह की फिर से किसी गड्ढे में तो नहीं गिर गई। नुआन नुआन उसे फोन कर कहती है अपने आप आ जाना, मैं बिजी हूँ, किसी को सबक सिखाना है। मिस्टर गु एलिवेटर में जाने लगा था पर कोई एलिवेटर रोक देता है और वो थी नुआन नुआन। मिस्टर गु उसे डर रहा था और क्याओ को गेट खोलने को कहता है। बहुत सुनाने के बाद नुआन नुआन उसके थोपड़े पे नोट चिपका डालती है और उसे जीप निकाल के भाग जाती है। क्याओ कहता है बॉस ये बस एक नोट है, उसका हाथ आपको टच नहीं हुआ है। बट मिस्टर गु मना करके नोट हटा के देखता है तो चिल्ला पड़ता है। यांग ने भी ये सब कांड अपनी आंखों से देख लिया था तो कहता है ये तो पगलैट है क्या। वो उसके कपड़ा लगा के कहती है तमीज से पेशा मैं तुझसे बड़ी हूँ। यांग वाज लाइक पर सिर्फ एक मिनट तो बड़ी है, सिस्टर मेरी जॉब चली गई, चमन्नी भी नहीं है मेरे पास, मुझे अपने घर में रख ले। पर नुआनन वुजन के साथ रहती है, वो कहता है बस कुछ दिनों की बात है, जैसे डबिंग स्टूडियो मिलेगा तुझे रेंट दे दूंगा। वुजन ओवर टाइम की वजह से दो दिन घर नहीं आने वाली थी तो वो उसे दो दिन रखने के लिए मान जाती है। इधर मिस्टर को गुस्से से अपने कपड़े निकाल के नहाने चला जाता है। क्या वो कहता है बस एक नोट ही तो था, वैसे तुझ पे कार्टून जच रहा है, और वहीं पे चिपका के चला जाता है। यांग एक डबिंग आर्टिस्ट है तो नुआनन यांग को बता रही थी कि अगर वुजन आए तो उसे देखते छुप जाना वरना वो हम दोनों को छोड़ेगी नहीं। बट यांग वाज लाइक तू अपनी फिक्र कर, ना जॉब है ना करियर है ना बॉयफ्रेंड, तू तो कुछ भी नहीं है। तो वो उसे मारती है। घर के ओनर को देख नुआनन को लगता है कि हर बार की तरह वो रेंट बढ़ाने आया है, पर इस बार ओनर रेंट नहीं बढ़ाता। वो टूटा फोन ठीक कराने चाहती है पर सिर्फ ग्लास टूटा था, फोन ठीक था और ऊपर से डिस्काउंट। नुआनन तो हैरान थी कि वो लकी से लकी कैसे हो गई, और याद आता है कि कल उसने मिस्टर गु को टच किया था। तो ग्लासेस लगा के वुजन को बताने लगती है कि मुझे मैजिकल ग्लासेस मिले हैं। वुजन को लगता है कि कॉमिक पढ़ पढ़ के उसका दिमाग हिल गया होगा। फेंगमी न्यू रिसेप्शनिस्ट ब्यूटीफुल है तो सब गाइस उसे घेर के खड़े थे, तो वुजन उन सबको भगा के फेंगमी की हेल्प करती है। डायरेक्टर ने वुजन को मिस्टर गु का न्यू क्लीनर ढूंढने को कहा था बट उसकी क्लीनर की कॉन्टेक्ट लिस्ट गिर गई थी, और मिस्टर गु अभी ऑफिस में आने वाला था तो वो नॉन वन से कहती है तू मुझे अपनी सिस्टर मानती है ना तो मेरी जान बचा ले, घर का रेंट भी मैं ही पे करूंगी, बस सिर्फ आज के लिए मिस्टर गु की क्लीनर बन जा। पर मिस्टर गु का नाम सुनते ही नुआन नुआन मना कर जाने लगती है। वुजन उसके पैरों में गिर के रोने लगी थी कि प्लीज बचा ले वरना मेरी जॉब चली जाएगी। वो उसे खड़ा करती है बट वो तो उसे खींच के ले जाती है, और बेचारे को क्लीनर बना के मिस्टर गु के ऑफिस में छोड़ दिया जाता है। वो सोचती है पूरा ऑफिस तो एकदम चकाचक है तो मैं क्या करूँ, कहीं ये मिस्टर गु क्लीननेस फ्रीक तो नहीं, और सफाई पे लग जाती है। बट छाड़ा गलत जगह रखते ही उसके टुकड़े होके ऊपर उड़ने लगे थे तो वो हैरान। इधर वुजन वाज लाइक काम डन। डायरेक्टर पूछता है बढ़िया पर वो न्यू क्लाइंट लड़का है लड़की, तुम्हें पता नहीं है क्या एक रूल है कि मिस्टर गु के ऑफिस में गर्ल्स अलाउड नहीं है, और जिसने रूल तोड़ा उसका बिना माफी के सीधा कट गया। मिस्टर गु अपने ऑफिस की तरफ जाने लगा था, नुआन नुआन जैसे तैसे सफाई तो कर देती है बट उसके आने की आवाज सुन वो भागती है। वो आकर देखता है कि वहाँ पे एक तुनका पड़ा है तो ग्लव्स पहन के तुनके को उठाकर डस्टबिन में फेंक देता है, और नुआन नुआन वही टेबल के नीचे छुपी बैठी थी। मिस्टर गु चेयर पे बैठ जाता है और हाथों पे सैनिटाइजर छिड़क रहा था बट वो गॉड से अपनी जान बचाने की प्रे कर रही थी। पर उसकी गोल्डन स्पार्क देख सोचती है क्या पता इस स्पार्क को टच करते ही मेरी किस्मत जाग जाए, बस थोड़ा सा तो टच करना है कर लेती हूँ, और उसे टच करने वाली थी तभी यांग आ जाता है और वो उससे गेम की डबिंग की बात कर रहा था। बट वो जाते जाते टेबल के नीचे नुआन नुआन को देख लेता है। मिस्टर लू पूछता है क्या हुआ, यांग बिना कुछ बताए चला जाता है। नुआन नुआन उसे फिर से टच करने वाली थी, उसके कोट पे थोड़ी सी धूल लग गई थी तो वो उठ के चेंज करने के लिए कपड़े निकालने लगता है। पीछे से नुआन नुआन उसे टच करने आ रही थी, और इधर वुजिंग भागती हुई चिल्ला रही थी कि नुआन नुआन कुछ मत करना, बट नुआन नुआन तो पैर अटते ही मिस्टर गु के ऊपर जाके गिर जाती है, और उसका थोपड़ा सीधा मिस्टर गु की चेस्ट पे चुम्मा ले रहा था। मिस्टर गु हैरान, सिन जो भगी आ रही थी
यांग से टकरा कर गिरने वाली थी, बट वो उसके गले का पटा पकड़ के बचा लेता है। नुआन नुआन भी कांड करके हैरान थी। मिस्टर गु नीचे को होके वहाँ से पप्पी की तरफ भागता है, पर उसके चिल्लाने की आवाज सुन एम्प्लॉयज को लगता है कि भूचाल आ गया। नुआन नुआन कहती है, अरे मेरी बात तो सुनो। बट मिस्टर गु वाज लाइक, दूर रहो मुझसे जंगली, मेरे टेबल के नीचे क्या कर रही थी? वो कहती है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। वो पूछता है, तुमने क्लीनर के कपड़े क्यों पहन रखे हैं? रियल क्लीनर का तुमने क्या कर दिया? शी वाज लाइक, अबे पागल चुप, मेरी बात तो सुन ले पहले। बट मिस्टर गु क्याओ को वास मार के बुला लेता है और कहता है, इस जंगली को मेरे ऑफिस में बंद कर दो, मेरी इजाजत के बिना इसे छोड़ना नहीं है, मुझे हॉस्पिटल। और बेहोश क्याओ उसे लेके हॉस्पिटल भागता है। डॉक्टर उसका चेकअप करके कहता है, अब कुछ नहीं हो सकता। क्याओ कहता है, डॉक्टर आप रुक क्यों गए, कुछ करो ना, इसे बचाओ। डॉक्टर वाज लाइक, चल अब नौटंकी बहुत हुई, उठ जा। तभी मिस्टर गु उठ के कहता है, ये कैसे हो सकता है? डॉक्टर बताता है कि मिस्टर गु बिल्कुल ठीक है, कोई एलर्जी हुई नहीं। पास से हमें पता चलता है कि मिस्टर गु और उसके डैड में हमेशा फाइट रहती है, क्योंकि डैड चाहते हैं कि वो फालतू गेम कंपनी छोड़ के गु ग्रुप का बिजनेस करे और शादी करके फैमिली बनाए। और मिस्टर गु स्टेप मॉम को अपनी मॉम नहीं मानता, क्योंकि उसकी सिर्फ एक ही मॉम है, जिनकी उसके बचपन में ही कार एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी थी। स्टेप मॉम के टच करते उसे एलर्जी होने लगती है और वो बेहोश। एलर्जी पे उसकी मेडिसिन इसलिए काम नहीं करती क्योंकि ये बीमारी फिजिकल नहीं मेंटली है। तो डॉक्टर उसे फौरन जाके ट्रीटमेंट करने को कहते हैं। नुआन नुआन इधर ऑफिस में बंद थी, तो वोजिन उसे वीडियो कॉल करके गर्ल्स मिस्टर गु के ऑफिस में अलाउड नहीं है वाला रूल बताती है। दोनों हैरान थी कि उसने इतना अजीब रूल क्यों बनाया, पर नुआन नुआन ने तो उसके चेस्ट पे चुम्मा ले डाला था, इसलिए वहाँ से कूदने का सोच रही थी। बट वो बिल्डिंग के 25th फ्लोर पे थी, यानी कूदने पे सीधा ऊपर का टिकट कटेगा। तो दोनों रोती हैं। क्या वो कुछ बताने वाला था, बट मिस्टर गु बिना सुने ही जाने लगता है। नुआन नुआन बोर हो रही थी तो वो उसके चेयर पे बैठ के ड्रॉ करने लगती है। बट तभी मिस्टर गु आ जाता है, तो वो जल्दी जल्दी में पेन पॉकेट में रख लेती है। मिस्टर गु जाके चेयर पे बैठ जाता है। वो उस दिन अपनी गलती मान लेती है कि मैंने अपने फ्रेंड को क्लीनर बना के भेजा था, तो प्लीज सिर्फ मुझे पनिश करिए, मैं रिजाइन कर दूंगी। नुआन नुआन कहती है, इसमें वूसिन की कोई गलती नहीं, मैंने उसे कंपनी में जॉब दिलाने के लिए फोर्स किया था, तो मेरी गलती हुई, उस तो मुझे बाहर फेंको। भले ही मेरा एनिमेटर बनने का ड्रीम है, पर वूसिन तो बहुत टाइम से इस कंपनी में काम कर रही है और वो इस कंपनी को बहुत लाइक करती है। तो मिस्टर गु वूसिन को फायर नहीं करता, बल्कि रिसेप्शनिस्ट में ट्रांसफर कर देता है। वो नुआन नुआन के लिए सॉरी फील कर रही थी, तो वो कहती है, बस बस अब ऐसे मत देख, इसके बदले अगर मैंने फ्यूचर में कभी गलती की तो मुझे माफ कर देना। वो उस दिन हाँ करके बताती है कि अभी कुछ दिन मुझे ओवरटाइम करना है, तो घर नहीं आ पाऊंगी, पर डोंट वरी, काम होते ही जल्दी घर आ जाऊंगी। नुआन नुआन कहती है, अरे कोई जल्दी नहीं है, आई मीन अपना ध्यान रखना। यांग नुआन नुआन के टेबल के नीचे छुपने वाली बात पे मजाक उड़ा रहा था, तो वो उसे मार के कहती है, वो उस दिन आने वाली है तो जल्दी अपना सामान पैक करके निकल जाना। बट वो उसे चिढ़ा के भाग जाता है, इसलिए वो खुद को लकी मान रही थी। इधर क्याओ मिस्टर गु को बताता है कि इंटरव्यू वाले दिन हमारे कार ड्राइवर के ब्रेक न लगाने पे नुआन नुआन के ऊपर कीचड़ गिर गया था जब वो रोड पे गिरी पड़ी थी, और उसका एनिमेशन हमारी कार की वजह से खराब हुआ। वो पूछता है, तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? वो कहता है, तेरी उससे इतनी बुरी वाली फाइट हुई थी, और तू मेरा बॉस भी है, पर आज उसने अपने फ्रेंड के लिए किया, तो लगता है शायद वो बेचारी सच में अनलकी है। वो कहता है, अनलकी होने का कांड करने वालों से कोई लेना देना नहीं। क्या वो कहता है, वो सच में एनिमेटर बनना चाहती है, तो तुझे उसे एक चांस देना चाहिए। मिस्टर गु बिना जवाब दिए चला जाता है, पर नुआन नुआन के नोट को देख के डर जाता है। जब वो डॉक्टर को कहता है कि पहली बार एक लड़की के टच करने पे उसे एलर्जी नहीं हुई, तो डॉक्टर बताते हैं कि तुम्हें उस लड़की को जाने नहीं देना है और अपने पास ही रखना है, क्या पता उससे तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाए। नेक्स्ट डे नुआन नुआन बड़े जोरों शोरों से पार्ट टाइम जॉब पे एक शॉप का पैम्पलेट बांट रही थी और ड्रॉ करने लगती है, तो उसके बॉस उसे डांट देती है। बट उसे गलती से पॉट गिरते ही वो कलर वाले पानी की बाल्टी गिर जाती है। बॉस चिल्ला पड़ती है, तो बेचारे सफाई पे लग जाती है। मिस्टर गु उसे दूर से देख रहा था। क्या वो कहता है, अब तो ये पक्का ही सुपर सुपर अनलकी है। बारिश होने लगी थी बट वो तब भी सफाई कर रही थी। क्या वो कहता है, क्यों ना बॉस हम, पर वो तो गायब, और चाहकर नुआन नुआन के ऊपर अम्ब्रेला कर देता है। नुआन नुआन सोचती है, क्या ये सच में मेरा गुड लक है? बट वो तभी उससे दूर हो जाता है, तो सोचती है, हाँ मेरी फूटी किस्मत। बारिश बंद हो जाती है। मिस्टर गु कहता है, तुम मेरा पेन चुरा के लेके आई हो। वो कहती है, कौन सा पेन, तुम मुझ पे कब तक झूठे आरोप लगाते रहोगे? पर उसके पॉकेट में टूटा हुआ पेन मिलता है, तो कहती है, ये मैंने चुराया नहीं है, गलती से उठा लिया था उस दिन और टूट भी गया। बताओ कितने का है, अभी रिपेयर कर दूंगी। वो कहता है, प्राइसलेस, ये इंडिया से हैंडमेड है
और निब गोल्ड की है। शी वॉज लाइक वॉट, पैन कब से गोल्ड के बनने लगे? मिस्टर गू कहता है अगर तुम सच में रिपेयर करना चाहती हो तो गेम कंपनी में 100 डेज के लिए काम करना होगा। नो अनवन कहती है सच में, पर पहले तो तुमने मुझे बाहर फेंक दिया था। वो कहता है ये बस एक कंपनसेशन है, कल अगर 1 मिनट भी लेट हुई तो डबल काम करना पड़ेगा। नुआनुआन ने घर का कपड़ा बना रखा था कि जैन का उसके लिपस्टिक पे पैर रखा जाता है, तो वो बैठ के रेड कलर पूछने लगता है। तभी किसी लड़की के अंदर आने की आवाज आती है, वो हैरान। वो थी वोजिन जो सोफे पे लेट जाती है, पर आवाज सुन वॉशरूम का गेट खोलती है और वहाँ रेड मार्क्स देख हैरान, पर यांग वॉशरूम से भाग के सोफे के पीछे छुप जाता है। वोजिन तो उसे ब्लड समझ रही थी और पूछती है कौन है यहाँ, बाहर निकलो। यांग बालकनी में आ जाता है और वो भी वहीं आ रही थी, पर उसे म्याऊं की आवाज आती है तो कहती है अच्छा ये कैट थी, जबकि यांग कपड़ों में छिपा हुआ बैठा था। तो कहता है आज तो बाल बाल बचा, डबिंग स्टूडियो मिलते ही यहाँ से चला जाऊंगा। एक आंटी उसे देख के अजीब मुंह बनाती हुई जा रही थी जबकि वो मना कर रहा था। कंपनी में नुआनुआन वुजिन को ढूंढ रही थी, फेंग में बताती है कि वो तो घर चली गई। नुआनुआन सोचती है क्या यांग तो गया काम से। क्याओ को आता देख फेंग में छुप जाती है। क्याओ कहता है नुआनुआन यहाँ खड़ी क्या कर रही हो, बॉस वेट कर रहे हैं। तो वो भागती है, पर क्याओ को देख फेंग में बहुत शर्मा रही थी। नुआनुआन अंदर नहीं जा रही थी तो क्याओ उसे अंदर धक्का मार देता है। वो उसे जॉब के बारे में पूछती है तो मिस्टर गु कहता है वो रही तुम्हारी यूनिफॉर्म। शी वॉज लाइक मैं यहाँ सफाई करने आई हूँ, क्लीनर। मिस्टर गु कहता है नहीं, प्रेसिडेंट की स्पेशल क्लीनर। और रूल्स बताने लगता है कि तुम्हें बुक्स साइज शेप और कलर के अकॉर्डिंग रखनी होगी, कप बाउल्स हाई टेम्परेचर पे वॉश करनी होगी और हर 15 मिनट में सैनिटाइजर छिड़कना है, धूल का एक कन्वीनियर चाहिए, ब्लाम ब्लाम ब्लाम। अगर एक बाल भी मिला तो तुम्हें सब दोबारा से करना होगा। उसके इतना क्लोज होने से वो नर्वस थी, पर कहती है यू डेविल, जबकि वो स्माइल कर रहा था। नुआनुआन सफाई करती हुई कहती है उस डेविल ने मुझे टॉर्चर करने के लिए बुलाया है, मन करता है कि उस डेविल को सैनिटाइजर में डुबो दूं। बट वेट, क्या पता मुझे उसके क्लोज होने का चांस मिला हो। गोल्डन स्पार्कल मैं आ रही हूँ तुम्हें टच करने। यांग जाने के लिए अपना सामान पैक कर रहा था बट वुजिन फिर से आ जाती है तो वो बैठ के नीचे छुप जाता है। तो वो इविल स्प्रिट को भगाने के लिए वहाँ पे प्याज लहसुन का जूस छिड़क के चली जाती है, बेचारा यांग। फेंगमी क्याओ को देख के छुप रही थी जबकि क्याओ को पहले से पता था कि वो फेंगमी है, तो वो कहती है सरप्राइज सीनियर। क्याओ कहता है तुम फौरन से आकर यहाँ रिसेप्शनिस्ट की जॉब क्यों कर रही हो, क्या तुम्हारे पेरेंट्स को पता है? फेंगमी कहती है मॉम डैड को नहीं पता, सीनियर में है तुम्हारे लिए आई हूँ, तुम्हें तो पता मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। क्याओ उसे स्टूपिड बोलकर वापस जाने को कहता है और फौरन का टिकट बुक करने लगा था। वो कहती है मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आई लाइक यू, बट उसका फोन छूट जाता है। डॉक्टर मिस्टर गु को मैसेज करता है कि तुम्हें उस लड़की की क्लोज होकर टेस्ट करना चाहिए। जब वो एलिवेटर में जाने वाला था तभी नुआनुआन आके एलिवेटर में घुसने लगी थी। वो पूछता है क्या चाहिए तुम्हें? वो कहती है कुछ नहीं, बस तुम्हें ढूंढ रही थी, और उसके क्लोज होकर उसके हाथ टच करने वाली थी, बट वो अपने हाथ ऊपर को कर लेता है। नुआनुआन सोच रही थी कि अब मैं इसे कहाँ टच करूँ। डॉक्टर की बात याद आते ही मिस्टर गु बड़ी हिम्मत कर किसके लिए आइस बंद कर लेता है, बट एलिवेटर का गेट खुलता है और सारे एम्प्लॉयज उन्हें देख के हैरान। वो दोनों तो कांड करते हुए पकड़े गए थे। मिस्टर गु वाज लाइक मैंने कुछ नहीं किया। एम्प्लॉयज वाज लाइक और हमने कुछ देखा भी नहीं। एक लड़की ट्विंकल ट्विंकल करती उनके फोटो क्लिक कर लेती है तो वो उसे भी खींच लेते हैं। नुआनुआन उससे एकदम से दूर होती है और उसके हाथ नीचे करके बाय बाय करके भाग जाती है। जबकि वो सदमे में था नुआनुआन सोचती है मैं कितनी अनलकी हूँ, बस गोल्डन स्पा की तो टच करने गई थी, पूरा कांड ही हो गया। पर यांग का थोपड़ा देख पूछती है तुझे किसने पीटा बे? उस बेचारे की तो आवाज ही नहीं निकल रही थी, और इशारे करता है कि तेरी उस व्यूजी ने तो लगभग मुझे जान से मार डाला था। नुआनुआन हंस के कहती है मुझे लगा था सबसे अनलकी मैं हूँ। उसकी मॉम उसे फिर से ब्लाइंड डेट पे जाने के लिए फोन करती है जबकि वो मना कर रही थी, बट मॉम जबरदस्ती उसे एक एड्रेस पे जाने को बोल देती है। मिस्टर गु एक इन्वेस्टर से मिलने आया था बट इन्वेस्टर राइवल कंपनी के पास चले गए थे। तभी उसके डैडा चाहते हैं कि तेरी कंपनी को तो इन्वेस्टर भी नहीं मिल रहा, इसलिए चुपचाप गु ग्रुप का ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दे और जो प्रॉफिट होगा वो तेरी कंपनी में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। मिस्टर गु कहता है मुझे इसका एक्सपीरियंस नहीं है और प्रोजेक्ट करने से मना कर देता है। डैड कहते हैं तू हाँ कर या मना कर, गु ग्रुप तुझे चलाना पड़ेगा और ये टच करने वाली एलर्जी जैसा कुछ नहीं होता, सीधा जाकर इलाज करा, तब तक लड़कियों से भागता रहेगा, तो घर वापस आकर शादी करके गु ग्रुप को वारिस दे वरना मैं तेरी गेम कंपनी को बर्बाद कर दूंगा। मिस्टर गु को पास के फ्लैशबैक्स आते हैं जिसमें उसके मॉम का कार एक्सीडेंट हो गया था। नुआनुआन भी वहीं ब्लाइंडेड पे आई थी तो जानबूझ के इतना होलिया बिगाड़ लेती है कि
खुद को ही शीशे में देख के डर जाती है। दूसरी गर्ल्स उसे देख के भागी गई थी। उसका स्कर्ट की जिपनी लग रही थी तो कहती है, हाई स्कूल की ड्रेस आ नहीं रही है, क्या मैं थोड़ी मोटी हो गई हूं? नहीं तो इसे तो अभी बंद करती हूं। बट जिप टूट जाती है तो कहती है, हाँ थोड़ी सी मोटी हो गई हूँ। फिर वो रेडी शेडी होके सोचती है, अब तो सामने वाला 100% मुझे रिजेक्ट कर देगा। पर 208 की जगह 206 रूम नंबर में घुस जाती है और कहती है, सुन बे तू ब्लाइंड डेट के लिए आया है ना, अपन है 911। बट सामने तो डेविल बैठा था। तो कहती है, सपना तो नहीं देख रही मैं? और ग्लास हटा के देखती है तो कहती है, सॉरी मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और ग्लासेस उठा के भागने वाली थी। वो कहता है, रुको। वो कहती है, सॉरी मैं सच में गलती से आ गई, अभी जाती हूँ। बट वो हाथ रख के उसे रोक लेता है और उसके क्लोज वो कहता है, 911 मुझसे शादी कर लो। 911 की तो हवाएं ही उड़ गई थी। मिस्टर को उसे टच करता है, बट चिप पर लगी चुटकी नीचे गिर जाती है। मिस्टर को कहता है, तुम्हें मेरी फेक गर्लफ्रेंड बनना होगा उस टूटे पेन के बदले। 911 मना करती है तो कहता है, डबल सैलरी। शी वॉज लाइक, मैं ऐसी नहीं हूँ। वो कहता है, ट्रिपल। देन शी यस। पर हैरान थी कितना हैंडसम और रिच होने की वजह से कितनी गर्ल्स उसके पीछे पड़ी हैं, तो उसे फेक गर्लफ्रेंड की जरूरत क्यों है। वो उस दिन उसे अपने न्यू फ्रेंड फेंगमी से मिलवाती है, जिसका कॉलेज टाइम से ही क्याओ पे क्रश है। पर क्याओ उसे सिर्फ अपनी लिटिल सिस्टर की तरह ट्रीट करता है। बट इस पर जब फेंगमी ने क्याओ को LAQ बोला तो उसने मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने को दे दिए। 911 बताती है कि मेरा बॉस तो पगला गया है, वो मुझे अपनी फेक गर्लफ्रेंड बनने को बोल रहा है। बट वो दोनों हंस रही थी और उसे हाँ करने को बोलकर रेडी करने लगती है। स्टेप मॉम डैड को बताती है कि हमें मिस्टर गु के लिए वाइफ ढूंढनी चाहिए। बट डैड बताते हैं कि उसकी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। स्टेप मॉम हैरान। डॉक्टर मिस्टर गु को बताते हैं कि तुम्हें उस लड़की से फिजिकल कॉन्टेक्ट करना होगा, लाइक गुड मॉर्निंग हग से लेके गुड नाइट किस तक। पर किसका नाम सुनते उसे फंदा लग जाता है। तभी उसकी सारी आंटी इसके मैसेज आने लगते हैं कि हम तेरी न्यू गर्लफ्रेंड को देखने आ रहे हैं। इधर मॉम 911 को डांटती है कि कल तो अपनी ब्लाइंड डेट पे क्यों नहीं गई। वो कहती है, सॉरी मैं भूल गई। तभी उसे मिस्टर गु का कॉल आता है तो बीमार होने का नाटक करती है। बट वो कहता है, अभी 10 मिनट में मेरे घर पहुंचो। वो कहती है, पर तुम्हारे घर क्यों? He was like, यही तुम्हारा काम है, अगर लेट हुई तो सैलरी कट। तो वो भागती है और वो उसे देख के हंस रहा था। बट उससे पहले ही आंटी आ जाती है जो पूछती है, तूने मुझे झूठ बोला, तेरी गर्लफ्रेंड कहाँ है? 911 आती है तो वो उसका हाथ पकड़ के कहता है, ये रही मेरी गर्लफ्रेंड। फिर दूसरी आंटी आ जाती है जो क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछी जा रही थी कि किसने किसे कन्फेस किया। मिस्टर गु कहता है, मैंने इसे पहले कन्फेस किया। आंटी उसे क्लोज होके बैठने को कहती हैं, तो वो दोनों क्लोज होते होते टकरा जाते हैं। वो पूछती हैं, तुम दोनों का फर्स्ट किस कब हुआ? दोनों का कुल्ला हो जाता है। उन दोनों को रिश्तेदारों के सामने क्लोज होने का नाटक करना पड़ रहा था। पर 911 तो उसे कैरेट खिलाने वाली थी जो मिस्टर गु को पसंद नहीं, बट वो फिर भी खा लेता है। पर उल्टी जैसा फील हो रहा था तो बदला लेने के लिए मिस्टर गु भी उसे वेजिटेबल खिला देता है। उसके लिप्स पे मिल्क लगा देख 911 जीभ निकाल के उसे साफ करने का इशारा करती है। बट वो समझ नहीं पाता तो खुद भी जीभ निकाल देता है। जब वो अपने हाथों से उसके लिप्स साफ कर देती है तो उसे कुछ कुछ हो रहा था। शी वॉज लाइक, इसके कितने रिश्तेदार हैं? मुझे तो यहीं पे रात हो गई, घर भी तो जाना है। वो कहता है, रिश्तेदार तो रात को भी आ सकते हैं, तो आज रात यहीं पे रुक जाओ। वो कहती है, क्यों तुम कौन सा मुझे डबल सैलरी दोगे? मिस्टर को क्लोज होके कहता है, पर अगर तुम चाहो तो मैं दे भी सकता हूँ। बट वो नर्वस होके भाग जाती है। गला खराब होने की वजह से यैंग सही से डबिंग भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि ये वुजिन के प्याज लहसुन के जूस का कमाल था। और फिर अपना बैग लेने चोरी छुपे घर में आता है। आवाज सुन वुजिन वहाँ आती है और उसे कपड़े चेंज करते देख लेती है तो दोनों चिल्ला पड़ते हैं। और 911 भी वहीं पे टपक पड़ती है। तो वुजिन दोनों ब्रदर सिस्टर की क्लास लगाती है। बट हर ब्रदर सिस्टर की तरह वो दोनों एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे थे। वो दिन घर छोड़ के जाने को बोल रही थी तो 911 उसे माफी मांग के मना लेती है। यंग वास लाइक, रहने दो तुम दोनों। और अपनी सैलरी दे के जाने लगता है और कहता है, पर मेरे पास तो एक चमन्नी भी नहीं है, रात कहाँ काटूंगा? ये सब उस साइको वुजिन की वजह से हो रहा है। वुजिन कहती है, क्या कहा मुझे? यंग वास लाइक, ब्यूटी क्वीन। बट वुजिन उसे खींच के घर में ले जाती है। स्टेप मॉम बताती है कि मुझे तो शक हो रहा है, मिस्टर गु की अचानक गर्लफ्रेंड कैसे बन गई? तो डैड मिस्टर गु को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पार्टी पे आने का मैसेज कर देते हैं। इधर इन दोनों ने यैंग को अपना नौकर बना रखा था और बेचारे से काम करा करा के पागल बना देते हैं। फेंगमी क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी क्याओ को पटाने के लिए। मिस्टर गु 911 को पकड़ के ब्यूटी सैलून ले जाता है
और उसकी चीर फाड़ होकर उसे ब्यूटीफुल बनाया जाता है। फिर उसे ड्रेस चूज कराई जाती है, बट मिस्टर गू को कोई पसंद नहीं आती, तो वो खुद ही एक ड्रेस चूज करती है जिसमें वो बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी कि वो देखते रह जाता है। बट उसकी जिप खुली थी तो वो लगाने लगता है, पर जिप अटक जाती है और फिर टूट के उसके हाथ में। नुआनन के पूछने पे वो पार्टी पे चलने को कहता है गर्लफ्रेंड बन के। पुअर नुआनन जैसी लड़की इतनी हाईफाई पार्टी में आज तक नहीं गई, तो वो जाने से मना कर देती है। इसलिए मिस्टर गू अकेले ही पार्टी में जाने का डिसाइड करता है। नुआनन को लगता है कि मिस्टर गू पार्टी में नहीं जाएगा। फेंग भी पार्टी में थी और वीडियो कॉल पर बताती है कि मिस्टर गू अकेला आया है और उसके डैड से फाइट चल रही है। मिस्टर गू ने स्टेप मॉम से रिलेशन रखने को मना कर दिया था, तो डैड उसे थपड़ा लगा देते हैं। तभी वहाँ पे नुआनन की एंट्री होती है, जो उसके आंसू साफ करके हाथ पकड़ती है और कहती है, सॉरी मैं लेट हूँ, मैं हूँ नुआनन, मिस्टर गू की गर्लफ्रेंड। तो मिस्टर गू उसे देखते रह जाता है। फिर वो उसके थपड़े वाले फेस पे कोल्ड वाटर लगाती है। मिस्टर गू उसे बताता है कि बचपन में मेरे मॉम डैड का डाइवोर्स हो गया था, जब मॉम मुझे लेके जा रही थी तो उनका एक्सीडेंट हो गया। उसे सैड देख वो कहती है, ये मेरी स्पेशल ड्रिंक है, मैं जब भी सैड होती हूँ इसे पीती हूँ, तो तुम ले लो। फेंग भी इधर क्याओ को पूरी लिस्ट दिखाती है, जिसमें उसने अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स और डैड से क्वेश्चन सॉल्व करवा लिए थे, तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है। मिस्टर गू नुआनन को सहला के उसका थैंक यू करता है, तो वो देखती रह जाती है। वो उसे उन्होंने दूर से खड़ी देख रही थी और यांग को अपने लिए पानी लेने भेज देती है। ही वाज लाइक, मैं क्यों? वो कहती है, घर में नहीं रहना क्या? देन ही वाज लाइक, यस बॉस अभी लेके आता हूँ। नुआनन सोचती है, मैंने मिस्टर गू की जान बचाई है, अगर मैं उसे एनिमेटर की जॉब देने के लिए कहूँ तो क्या वो हाँ करेगा? और मैसेज लिखती है, बट उससे गलती से सैंड हो जाता है। मिस्टर गू हाँ करता है तो वो बड़ा खुश होती है। और इधर मिस्टर गू भी स्पेशल ड्रिंक को संभाल के रख लेता है। नेक्स्ट डे यांग वुजिन की लिपस्टिक और पर्स लेके खड़ा था एज ए नौकर। फिर नुआनन भी रेडी होकर चली जाती है और मिस्टर गू की सेवा कर रही थी। वो हैरान था तो कहती है, मैं गुड बाय कर रही हूँ, अब तो तुम मुझे एनिमेशन डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करने वाले हो ना? ही वॉज लाइक, ऑफकोर्स। और अपने ऑफिस में ही उसका लैपटॉप टेबल रखवा देता है। बेचारी नुआनन का तो पोपटी हो गया था, तो उसे डेविल बोलती है। मिस्टर गू क्या को बताता है कि डॉक्टर ने मुझे नुआनन के फीचर्स पे नजर रखने को कहा है। क्या वॉज लाइक, पर नुआनन का तो बॉडी फिगर कुछ है ही नहीं। मिस्टर गू पूछता है, तू तो ऐसे एक्ट कर रहा है जैसे तूने बहुत गर्ल्स को डेट कर रखा है। फेंग भी सुन लेती है और उसे लगता है कि क्या वो किसी को लाइक करता है, तो रो रही थी। यांग के फ्रेंड ने स्टूडियो रेंट पे लेने के लिए ओनर को 20,000 दे दिए थे, बट एक आदमी खुद को रियल ओनर बता के उन्हें बाहर निकालने लगता है। वुजिन आकर कहती है, मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया है, पुलिस को दिखा दूंगी। और उस आदमी से सच उगलवा लेती है कि उसी ने उनसे 20,000 लिए थे। वो पुलिस पर आने की धमकी देते हैं, तो वो आदमी पैसे वापस कर देता है। यांग उसकी हेल्प के लिए थैंक यू करता है। इधर डैड फिर से मिस्टर गू को डांटने लगे थे कि तूने अपने लिए फेक गर्लफ्रेंड ढूंढी है, पर मुझे बुद्धू नहीं बना सकता। नुआनन सब सुन लेती है तो हिम्मत कर अंदर आती है और जाके मिस्टर गू को किस कर लेती है। मिस्टर गू तो एकदम हैरान था। डैड चुपचाप चले जाते हैं। वो कहती है, सॉरी मिस्टर गू, मुझे मजबूरी में करना पड़ा, तुम्हें बताने का भी टाइम नहीं था। बट मिस्टर गू पीछे को गिर जाता है। नुआनन पूछती है, इसे क्या हुआ, ये बेहोश क्यों हो गया? आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दूं क्या? असिस्टेंट कहता है, यू क्रेजी, इसे टच में मत करो, ये उसकी फर्स्ट किस थी। और मिस्टर गू को लेके हॉस्पिटल भागता है। सब हैरान थे। यंग कहता है, ए पगलैट, तूने कहीं मिस्टर गू को निपटा तो नहीं दिया? क्या वो डॉक्टर को फोन पे बता रहा था कि मिस्टर गू फिर से बेहोश हो गया और हॉस्पिटल ले जाने लगा था? तभी मिस्टर गू उठ जाता है और फर्स्ट किस के बारे में सोच रहा था, तो क्या को उसे हॉस्पिटल ले जाने की बजाय घर छोड़ के आने को कहता है। नुआनन परेशान थी और उसकी कार देख के मिस्टर गू को सॉरी बोलने लगती है, बट वो तो क्या था जो कहता है, तुमने बेचारी मिस्टर गू की फर्स्ट किस छीन ली, तो क्या सिर्फ सॉरी से बात बन जाएगी? अरे तुम्हें तो मिस्टर गू के घर जाकर बेचारे की सेवा करनी चाहिए, बहुत बीमार है वो। और उसे मिस्टर गू के घर का पासवर्ड दे देता है। इधर मिस्टर गू को पास्ट के फ्लैशबैक्स आ रहे थे, मॉम के एक्सीडेंट से लेकर फर्स्ट किस तक। तभी नुआनन आकर उसे उठाने लगती है, बट वो उसे पकड़ के अपने क्लोज कर लेता है। वो नर्वस थी। मिस्टर गू उठ जाता है और उसे देख के हैरान तो एकदम से दूर वो कहता है, तुम मेरे घर में कैसे घुस आई? वो कहती है, क्या उन्होंने मुझे तुम्हारा पासवर्ड दिया? वो कहता है, दूर हटो मुझसे, कम से कम 2 फीट दूर रहो। तो वो खाना बनाती हुई कहती है, पता नहीं ये डेविल पगला गया है क्या, पहले गर्लफ्रेंड बनने को बोलता है और अब 2 फीट दूर रहने को बोल रहा है। मिस्टर गू उसे छुप छुप के देख रहा था। नुआनन उसे देख के हंस पड़ती है
क्योंकि पजामा में वो बहुत क्यूट लग रहा था। और फिर फ्रिज खोलने लगती है, बट मिस्टर को उसे रोक के एकदम उसके क्लोज हो जाता है। वो तो एकदम नर्वस थी। मिस्टर को कहता है वो मेरी स्पेशल रिंग है, पर नर्वस होके दूर हो जाता है। वो कहती है तुम बेहोश क्यों हुए थे, क्या उस फर्स्ट किस की वजह से? मिस्टर को उसे अपनी एलर्जी के बारे में बता देता है कि मैं गर्ल्स को टच नहीं कर सकता। पास में हम देखते हैं कि एक लड़की मिस्टर गु को हक्का लेती है, बट उसके एलर्जी होने से बॉडी पे रैशेस होते ही वो बेहोश हो जाता है। इसलिए मिस्टर गु अपने रिलेटिव से दूर रहता है एकदम अकेले। वो पूछती है पर तुम मुझे कैसे टच? वो कहता है हाँ तुम डिफरेंट हो, डॉक्टर बता रहे कि शायद तुम में कुछ फीचर्स हैं या फिर नहीं है। वो कहती है मुझ में ऐसा क्या है और क्या नहीं है? वो कहता है क्या पता तुम कम फेमिनिन हो। तो वो गुस्से से पॉलिश लेने चली जाती है। यैंग सुबह से शाम तक स्टूडियो रेंट पे ढूंढता ढूंढता थक गया था और नूडल्स खा रहा था। वूजिंग उसे डम्पलिंग खाने कहती है, बट वो मना कर देता है, पर उसके जाते ही चोरी छुपे खाने लगा था। शी वॉज लाइक टेस्टी लगा, बेचारे को फंदा ही लग जाता है। तो वूजिंग उसे बच्चा बोलने लगती है। वो कहता है मैं बच्चा नहीं हूँ, बड़ा हो गया हूँ। शी वॉज लाइक चल झूठे, जल्दी से मुझे सिस्टर बोल। बट दोनों इतना क्लोज होने पे अजीब फील कर रहे थे। फिर वो उसको स्टूडियो ढूंढने में हेल्प करने लगती है। जब वो काम करती करती सो गई थी तो वो उसे ब्लैंकेट हड़के एंगमी क्याओ का पीछे कर रही थी, बट वो उसे देख लेता है। वो जोर जोर से आई लाइक यू चिल्लाने लगती है, बट वो उसे चुपचाप घर जाने को कहता है। पर वो आके देखती है कि क्याओ टल्ली पड़ा है, तो उसे देखने लगती है। नॉन नॉन के बनाए पॉरेज में से अजीब सी स्मेल आ रही थी। वो कहती है ये दिखने में अच्छा नहीं है पर खाने में बहुत टेस्टी होगा। तो वो हिम्मत कर खाता है, पर कहता है हाँ अच्छा है, जबकि उसे उल्टी जैसा फील हो रहा था। वो कहती है अच्छा इतना अच्छा है तो मैं भी खाऊंगी। He was like, पर तुम नहीं खा सकती। तभी लाइट ऑफ हो जाती है, तो वो उसे टूल बॉक्स लाके देता है और कहता है जाके लाइट ठीक करके आओ, मैं तुम्हारा बॉस हूँ। She was like, मतलब बॉस है तो बंदी की जान लेगा, और उसे डेविल बोल के लाइट ठीक करने जाती है। बट बोर्ड इतना ऊंचा था कि उसका हाथ ही नहीं पहुंच रहा था। तभी मिस्टर गुआ के उसे ऊपर उठा देता है। वो नर्वस थी तो कहती है पर मुझे ठीक करना नहीं आता, तो उसे गोद में गिरा लेता है और सारी लाइट ऑन हो जाती हैं। वो नर्वस थी, मिस्टर गु कहता है अब हमारे बीच सब खत्म, हम फिर से रीस्टार्ट कर सकते हैं। और फिर नोआनोन की ड्राइंग देख के स्माइल कर रहा था। नोआनोन की तो किस्मत ही बदल गई थी। वो लिफ्ट मांगती है तो तीन तीन टैक्सी आ जाती है, और ऊपर से वन गेट वन फ्री का ऑफर चल रहा था। एक लड़का उसे अपना फ्री खाना दे देता है और उसकी एक कॉमिक एनिमेशन के लिए सिलेक्ट हो जाती है, इसलिए उसे अलग अलग कंपनीज के ऑफर आने लगे थे कॉपीराइट्स खरीदने के लिए, और ऑफ कोर्स मिस्टर गु की कंपनी का भी। बट वो मिस्टर गु को पर्सनली मिलने को कहती है, पर वो क्याओ को भेज देता है। नुआनन गुस्सा थी पर फिर कहती है ओके, पर मेरी एक शर्त है, मिस्टर गु मुझे एनिमेशन डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दे, मैं उस डेविल के ऑफिस में नहीं जाऊंगी। मिस्टर गु का मन नहीं कर रहा था, बट क्याओ नुआनन का लैपटॉप टेबल उसके ऑफिस से हटा देता है। इधर नुआनन को मिस्टर गु की राइवल कंपनी वाले बुलाते हैं, और वो वही फ्री फूड देने वाला निकला जिसका नाम है शेन। शेन उससे कॉमिक की कॉपीराइट लेने आया था, पर नोआनोन डिसाइड कर लेती है कि वो मिस्टर गु की कंपनी को ही कॉपीराइट देगी। वूजिन यांग के साथ स्टूडियो ढूंढने आती है। आंटी कहती है ले लो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड के कहने पे मैंने रेंट भी सस्ता कर दिया। शी वॉज लाइक मैं इसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। वो देखता है कि वूजिन से हील में चला नहीं जाता, तो उसे उठा के ले जाता है जबकि वो नीचे उतारने को बोल रही थी। उसके पैरों में हील से जख्म हो गए थे, तो वो उसके मेडिसिन लगाता हुआ डांटता है कि तुम हील पहन के क्यों भागती हो, तुम आयरन मैन थोड़ी ना हो जो दर्द नहीं होगा, नॉन की तरह शूज पहन लिया करो ना। वो स्माइल कर रही थी और फिर नर्वस होकर भाग जाती है। नॉन मिस्टर गु की बातें सुन लेती है, जो बोल रहा था कि नॉन का एनिमेशन इतना मेच्योर नहीं है। सही है, राइवल कंपनी नॉन के छोटे से कॉमिक में उलझी रहेगी और हम हमारा प्रोजेक्ट कम्प्लीट कर लेंगे। तो वो गुस्सा होती है कि तुम मेरे एनिमेशन को सिर्फ अपने मतलब के लिए यूज करना चाहते हो, मुझे लगा था तुम मेरे फ्रेंड हो, पर तुम तो डेविल के डेविल ही रहोगे, और चली जाती है। नॉनन को रोता देख यांग मिस्टर गु को सबक सिखाने जाने वाला था, पर वूजिन उसे समझाती है कि तुम्हें इतने जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना चाहिए। मिस्टर गु भी सैड था, नॉनन रो रही थी, तो डैड उसे समझाते है कि गुड बैड लग कुछ नहीं होता, ये इंसान की मेहनत पे डिपेंड है, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। इधर मिस्टर गु एम्प्लॉयज को डांट रहा था, और फिर क्याओ को कहता है कि तू फैंगमी को जानता है ना, तो मुझे नहीं पता तू कैसे करेगा, पर नॉन को कंपनी में वापस लेकर आना होगा। क्याओ यांग से फैंगमी के बारे में पूछने चाहता है। वो बताता है कि वो तीनों कहीं घूमने गई हैं। इनफैक्ट नॉन की फ्री टूरिस्ट लॉटरी लगी थी और वो तीनों होटल में मस्ती कर रही थी। नॉन क्याओ और यांग का फोन नहीं उठाती, तो क्याओ फैंगमी को वीडियो कॉल करके पता लगा लेता है कि वो तीनों कहाँ पे हैं, और वो दोनों उन्हें ढूंढ लेते हैं, जिसकी वजह से वो तीनों कॉस्ट्यूम पार्टी में नहीं जा पाती।
तो वो ड्रिंक करने लग जाती है। यांग नॉनॉन को रोकता है पर वो नहीं रुकती और मिस्टर गु को कॉल करके कहती है, यू डेविल, तुमने मुझे बुली किया, आई हेट यू, अब तुम्हें मैं पनिश करूंगी। जबकि मिस्टर गु पीछे खड़ा था और कहता है, करो मुझे पनिश, बट वो उस पे गिर जाती है। तीनों टल्ली फ्रेंड्स भाग लेती है और वो तीनों आशिक उनके पीछे पीछे। फेंगमी अपने सैंडल और जैकेट फेंक देती है। वो उसे रोकता है तो कहती है, क्यों, क्या तुम मुझे लाइक करते हो? अगर नहीं करते तो दूर हटो मुझसे। बट वो बिना कुछ बोले उसे उठाकर ले जाता है। यांग वूसिन को पकड़ रहा था, वो गिर जाती है तो वो उसे उठाकर सोफे पर उठा देता है और केयर करने लगा था। वूसिन उसे किस कर देती है तो वो उसे अपने क्लोज करके किस करने लग जाता है। नॉनन पोल से कहती है, मुझे उठा के लेके चलो, क्या तुम भी मिस्टर गु की तरह डेविल हो? मिस्टर गु उसे उठाकर ले जाने लगता है बट टेली नॉनन गुस्से से उसके कान पे काट लेती है तो वो सॉरी बोलता है और बेड पे लिटा देता है। बट टेली नॉनन पकड़ के उसे किस करने वाली थी जबकि वो डर रहा था, पर वो सो जाती है तो वो हंस पड़ता है। डॉक्टर उसे बताता है कि मुझे पता चल गया, तुम्हें नॉनन से एलर्जी क्यों नहीं होती, इसका एक ही रीजन है कि तुम उसे लाइक करते हो। मॉर्निंग में वूसिन देखती है उसके लव बाइट्स हैं तो बहुत एम्बेरस होती है कि मैं नॉनन को फेस कैसे करूंगी, वो उसका छोटा भाई है, और भाग जाती है। फेंगमी के घर आकर उसे सब बताती है कि हम कभी ड्रिंक नहीं करेंगे। फेंगमी कहती है, अच्छा तो है तुम यांग को और वो तुम्हें लाइक करता है। वूसिन कहती है, पर वो नॉनन का छोटा भाई है। फेंगमी वास लाइक, तो क्या फर्क पड़ता है, लव एज थोड़ी ना देखती है। पर वूसिन अभी श्योर नहीं थी कि वो यांग को लाइक करती है भी या नहीं। यांग उठ के देखता है वूसिन गायब और वहाँ पे पैसे रख के गई है। इधर मिस्टर गु नॉनन को एनिमेशन डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर देता है और बड़ा खुश हो रहा था। यांग वूसिन को घेर के कहता है, क्या तुम मुझे इग्नोर कर रही हो और इन पैसों का क्या मतलब है? वो कहती है, नहीं तो वैसा कुछ नहीं है, तुम्हें स्टूडियो के लिए पैसे चाहिए थे इसलिए मैंने दे दिए। यांग कहता है, बात मत बदलो, मुझे सब पता है। तो वो कहती है, तुम अभी छोटे हो, हमसे गलती हो गई, भूल जाओ उसे। यांग गुस्से से पैसे फेंक के जाने लगता है तो नॉनन उसका कान पकड़ कहती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई वूसिन को बुली करने की? बट मॉम आकर उसका कान पकड़ लेती है। क्या, और मिस्टर गु तो हैरान थे। फिर मॉम उन दोनों की क्लास लगाती है और कहती है, नॉनन तू ब्लाइंड डेट पर जाएगी और तू यांग मेरे साथ घर चल। वो मिस्टर गु के पास जाती है बट वो बिजी था तो मॉम उसे ब्लाइंड डेट के लिए पकड़ के ले जाती है और वो लड़का शैन निकलता है। इनफैक्ट शैन नॉनन की मॉम की फ्रेंड का बेटा है। मिस्टर गु का काम पे ध्यान नहीं लग रहा था, देन क्या हुआ, लाइक चले क्यों नहीं जाते? वो कहता है, मुझे नॉनन के ब्लाइंड डेट से क्या लेना देना। क्या कहता है, पर मैंने तो नॉनन का जिक्र ही नहीं किया। सुना है शैन और क्याओ के पेरेंट्स एक दूसरे को जानते हैं। शैन प्ले बॉय है, रिच है और अच्छा खासा दिखता भी है। क्या बता वो ब्लाइंड डेट के पास सीधा कोर्ट मैरिज कर ले। मिस्टर गु गुस्से से उसे पकड़ लेता है बट उन दोनों के इतना करीब देख फेंगमी उन्हें गलत समझ के भाग जाती है। इधर नॉनन और शैन डेट पे आए थे और जेलस मिस्टर गु उनके पीछे पीछे। वो दोनों खाना खाने आते हैं पर मिस्टर गु सारे डिशेस खुद ही ऑर्डर करके सारा खाना खत्म कर देता है तो वो दोनों चले जाते हैं और मिस्टर गु सारा खाना एम्प्लॉयज को खिला देता है। फिर क्या, दोनों जहाँ भी जाते मिस्टर गु सब कुछ पहले ही ऑर्डर कर लिया करता तो हैरान थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। शैन उसके शूलेस बांधने लगा था, मिस्टर गु जेलस बट वो खुद ही बांध देती है। मिस्टर गु पपी को देख के डर जाता है और शैन उसे देख लेता है। मिस्टर गु कहता है, तू कॉपीराइट के लिए नॉनन के पीछे पड़ा है ना, ब्लाइंड डेट तो बहाना है। शैन कहता है, हाँ बात तो सही है पर नॉनन काफी क्यूट है, मुझे पसंद आई। मिस्टर गु उसका कॉलर पकड़ के कहता है, उसे हाथ भी मत लगा, अगर बिजनेस में उसे जीतना चाहता है तो सीधा सीधा लड़ा। नॉनन शैन को क्लियर कर देती है कि मैं मिस्टर गु की कंपनी नहीं छोड़ूंगी और ब्लाइंड डेट पे मैं सिर्फ मॉम के फोर्स करने पे आई थी, और कॉपीराइट को भी मना कर देती है क्योंकि उसने मिस्टर गु को अपने पीछे पीछे आते देख लिया था। शैन ये सब उस लड़की के कहने पे कर रहा था जिसके हक करने से मिस्टर गु को एलर्जी हुई थी। नॉनन को गलती का एहसास हो गया था कि मिस्टर गु सही बोल रहा था, उसे एनिमेशन में अभी बहुत सुधार की जरूरत है। और मिस्टर गु उसके कॉपीराइट के 10 मिलियन का नोट दे देता है। वो जाने लगी थी तो उसे घेर के कहता है, मैंने कहा था ना तुम जो चाहती हो मैं दे सकता हूँ। बट वो उसके क्लोज होने से नर्वस हो रही थी तो भाग जाती है। वूसिन स्टूडियो आती है, यांग उसे गुस्सा था इससे छुप रहा था। वूसिन को सैड देख नॉनन ग्लासेस लगा के देखती है कि उसका पिंक स्पार्कल है, यानी वूसिन के लवर का भी पिंक स्पार्कल होगा। पर वूसिन को ये सब मजाक लगता है, मिस्टर गु की न्यू गेम लीक हो गई थी तो वो सब फिर से गेम को रिन्यू करने में लग जाते हैं और सिर्फ 6 घंटे में ही कर देते हैं तो सब बहुत खुश होते हैं। नॉनन बैठी बैठी सो गई थी तो वो उसे ठुकने से बचा लेता है। मॉर्निंग में किस सीन देखते हुए वो ब्लश कर रही थी तो उसे देख वूसिन और फेंगमी पूछने लगती हैं कि कहीं मिस्टर गु के साथ तो? वो कहती है, नहीं नहीं वो तो हमारा एक्सटेंडल किस था, यानी वो पकड़ी जाती है। इनफेक्ट नाइट में
जब मिल्क पीते हो उसके लिप्स पे मिल्क लग गया था, तो मिस्टर गु उसे किस करके लिप्स साफ कर देता है। क्या वो बिजनेस की डिटेल्स बता रहा था? बट मिस्टर गु तो अभी तक किसको इमेजिन करके खुश हो रहा था। तो क्या वो जाकर फ्रिज खोल के बॉटल निकालने वाला था? पर मिस्टर गु बॉटल उठा के कहता है, ये सिर्फ मेरी है। तो वो समझ जाता है कि ये नोना ने दी होगी। मिस्टर गु कहता है, नहीं ये एक्सपायर्ड है, तू पानी पी और निकल यहाँ से। क्याओ के जाने के बाद मिस्टर गु बॉटल फिर से फ्रिज में रख देता है। नोना सैड थी कि मिस्टर गु ने उसे आई लाइक यू तो बोला ही नहीं। बट फ्रेंड्स कहती हैं, मिस्टर गु एक सीरियस इंसान है, उसने किस किया है मतलब वो तुझे जरूर लाइक करता होगा। तो नोना शर्मा रही थी कि क्या मिस्टर गु उसे सच में लाइक करता है, और उसे गलती से उसे इमोजी वाला मैसेज सेंड हो जाता है। वो कहता है, क्या तुम मुझे मिस कर रही हो, हम कल मिलके बात करेंगे। तो वो चिल्ला पड़ती है। नेक्स्ट डे वो चोरी छिपे कंपनी आ रही थी और उसकी फ्रेंड्स उसके पीछे पीछे, तो वो डर जाती है। बट मिस्टर गु को देख के वो भाग पड़ती है। मिस्टर गु स्माइल कर रहा था, फिर तो वो जब भी मिस्टर गु को देखती छुप जाती, और एक बार तो छुपते छुपते मेंस वॉशरूम में घुस जाती है और फिर पिकाचू सूट में घुस जाती है। बट मिस्टर गु को पता चल जाता है तो कहता है, आज मैं अपने ऑफिस में ही लंच करूंगा, इस पिकाचू को भी बहुत भूख लगी होगी ना। और पिकाचू को अपने ऑफिस में रखवा लेता है। पिकाचू के अंदर की नोनन धीरे धीरे चुपके चुपके खिसकने की कोशिश कर रही थी, जैसे ही वो आवाज कर देता वो वहीं पे रुक जाती, तो उसे हंसी आ जाती है और फिर कहता है, दोपहर हो गई, किसी को भूख लग रही होगी, कितना टेस्टी खाना है। नोनन सोचती है, डेविल कहीं का, मैं नहीं खाऊंगी पर मुझे बहुत भूख लगी है, और मना कर रही थी। मिस्टर गु पिकाचू के क्लोज होने लगा था तो वो भाग पड़ती है, बट वो उसे घेर लेता है, पूछता है, तुम मुझे देखना नहीं चाहती? वो हैना करती है। वो कहता है, अगर तुम रोज पिकाचू बन के आओगी मैं तब भी तुम्हें देखना चाहूंगा, और सूट उतार देता है। वो नर्वस हो रही थी बट वो क्लोज होके कहता है, मैंने झूठ कहा था, अगर फिर से पिकाचू बन के आई तो कल से काम पे आने की जरूरत नहीं। तो वो गुस्सा होती है। मिस्टर गु उसे खाना खाने को कहता है, बट वो गुस्से से कहती है, मैं नहीं खा रही, वापस जाकर अपने नूडल्स खाऊंगी। मिस्टर गु कहता है, रुको यहीं पे, एक जरूरी बात करनी है। नोनन ठूस रही थी तो वो उसे बताता है कि एक शो होने वाला है, तो हमारी कंपनी भी पार्टिसिपेट करेगी और तुम्हारा कॉमिक सिलेक्ट हुआ है, तो तुम जल्दी से अपना प्रोजेक्ट रेडी कर लो ताकि रोड शो रिलीज कर सके। नोनन तो बहुत खुश होती है। फेंगमी अपने हाथों से खाना बना कर लाती है, क्या ऑफिस में काम कर रहा था, बट वो चुपके से रख के भागने वाली थी, पर वो उसे पकड़ लेता है तो कहती है, तुम्हें मेरे आने का कैसे पता चल गया? वो कहता है, मुझे तुम्हारी आवाज और तुम्हें देखने की जरूरत नहीं, पहले पता चल जाता है वो तुम हो। वो कहती है, पर देखे और सुने बिना तुम्हें कैसे पता चलता है? वो कहता है, क्योंकि मुझे तुम्हारे, और उसके क्लोज होता है तो वो अपनी आईज बंद कर लेती है, बट वो बिना खिसकी हट जाता है और कहता है, मैं बिजी हूँ तुम जाओ। फेंगमी उसे एक रात अपने साथ रखने को कहने लगी थी, बट वो उसकी फिंगर पकड़ के बाहर कर देता है। बेचारी फेंगमी, वो उसके ऑफिस में बहुत सारे पेपर्स फेंक देती है। वो उठा के देखता है, उन पे लिखा है आई लव यू, और कहती है सीनियर आई लाइक यू, बट क्या चुप। फिर वो सब रोड शो की प्रिपरेशन में लग जाते हैं। काम करते करते नोनन को किसकी याद आने लगती है, तो कहती है, मैं उस डेविल के बारे में क्यों सोच रही हूँ, मुझे बस काम पे ध्यान देना है। उसका फाइल तक हाथ नहीं पहुँच रहा था क्योंकि वो बहुत ऊंची थी, तभी मिस्टर गु आकर फाइल उठा के कहता है, तुम्हें चाहिए ये? वो हाँ करती है, बट वो और ऊपर रख देता है और कहता है, अपना काम खुद करो। तो वो चिल्ला पड़ती है, पर काम करते करते उसे नींद के झटके लग रहे थे और सो जाती है। मिस्टर गु उसे अपना जैकेट उतार के ढक देता है और खुद नोनन का बाकी बचा हुआ काम कर देता है। वो देखने लगा था और उसे टच करके कहता है, आई लाइक यू नोनन। नोनन को सपना आता है मिस्टर गु से आई लाइक यू बोल रहा है, तो कहती है, वो डेविल तो ऐसा कभी नहीं करेगा, बट उसका काम हुआ पड़ा था, और भाग के आती है। पर सारे एम्प्लॉयज उसे देख के हंसने लगे थे, वो हैरान थी, और फिर अपना थोपड़ा देखती है कि उसके शक्ल पे चीत मकोड़े बने हैं। इनफैक्ट रात में मिस्टर गु ने उसके फेस पे ये सब ड्रॉ कर दिया था। तो एम्बेरस होके भागती है और साफ करते हुए कहती है, यू डेविल, तू कभी नहीं सुधरेगा, ये साफ क्यों नहीं हो रहा। वो उस दिन भी हंस रही थी तो उस पे गुस्सा होती है, पर वो उसे साफ करने के लिए रेजर देती है और कहती है, क्या मिस्टर गु ने कन्फेस कर दिया? नोनन कहती है, वो डेविल तो मुझे बुली कर रहा है और ये क्या क्या बना दिया, कन्फेस तो दूर की बात। वो उस दिन कहती है, क्या पता उसे तुम्हें टीज करने में मजा आता हो, देखो फेस पे हर्ट भी बनाया है, क्या तुम तो मिस्टर गु को लाइक करती हो? नोनन किसको याद कर रही थी, पर कहती है, मेरे पास उसे लाइक करने के लिए टाइम नहीं है, मुझे अभी सिर्फ काम पे फोकस करना है। मिस्टर गु को इतना खुश खुश देख क्या वो कहता है, कहीं तुझे नोनन से लव तो नहीं हो गया, यहाँ पे कोई नहीं है, बता दे मुझे, मैं तेरी उसे पटाने में हेल्प करूंगा। बट मिस्टर गु उसे गेट आउट कर देता है
शैन जानबूझ के नॉर्मन से टकरा जाता है और उसे अपनी कंपनी में जॉब का ऑफर देता है, बट वो मना कर देती है। तो शैन जाते जाते जानबूझ के एक फोटो गिरा देता है। नॉर्मन फोटो उठा के देखती है, उसमें मिस्टर गु किसी लड़की के साथ था। तो शैन कहता है, ये हमारी वाइस प्रेसिडेंट है रॉय। सुना है मिस्टर गु और रॉय कॉलेज से एक दूसरे को जानते हैं, लगता है अब दोनों कंपनीज में कॉम्पिटिशन नहीं रहेगा। नॉर्मन को शक हो रहा था, क्या वो मिस्टर गु से कहता है, तू जिसे लाइक करता है वो वही है ना? मिस्टर गु कहता है, बट तू उसे नहीं जानता। क्या वो कहता है, अच्छा रॉय। तो मिस्टर गु से मारने लगता है, बट नॉर्मन ये सुन लेती है और सदमे से उसकी डायरी नीचे गिर जाती है। फिर वो बैठी रो रही थी कि मिस्टर गु जब किसी और को लाइक करता था तो उसके क्लोज क्यों आया और उसने उसे किस क्यों किया। तो कहती है, आई हेट यू डेविल। वो उस दिन उसे ढूंढ रही थी तो पूछती है, क्या हुआ, तो रो क्यों रही है? वो कहती है, मुझे सच पता चल गया, अब मुझे उस मिस्टर गु की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ अपने ड्रीम्स पे फोकस करूंगी। रोड शो स्टार्ट हो गया था बट वो सैड थी। वुजन कहती है, तू अब अनलकी नहीं रही तो खुद पे भरोसा रख। नॉर्मन हिम्मत करके स्पीच देने जाती है, मिस्टर गु को नॉर्मन की डायरी पड़ी मिलती है तो वो भागता है। एंकर नॉर्मन से क्वेश्चन पूछता है जिसका जवाब उसने डायरी में लिखा था जो उसके पास नहीं थी। तभी मिस्टर गु की एंट्री होती है और वो अपने माइक से उसे बता रहा था जो नॉर्मन को ईयरफोन से सुनाई दे रहा था। तो वो सब जवाब दे देती है और फिर दोनों स्माइल करते हैं, बट फिर वो देखती है कि मिस्टर गु उससे बिना मिले चला गया तो सैड होती है। वुजिन जब जा रही थी तो एक आदमी उसे टकरा जाता है और कहता है, पहचाना मुझे? वो कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मेरी फाइल वापस करो। वो कहता है, पहले किस दे तो वापस करूंगा। यांग उन्हें देख के चला जाता है। वुजिन उसे फाइल छीनने लगी थी। वो कहता है, क्या हुआ, मारती क्यों नहीं है? तूने मुझसे ब्रेकअप करके मेरे थप्पड़ा मारा था ना, अब मेरी बारी है। और उसके थप्पड़ा मारने वाला था पर यांग आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे ठोक डालता है। इधर फेंगमी क्याओ का वेट कर रही थी पर एक आदमी उसे अपनी कार में लिफ्ट देने को कहता है। फेंगमी मना करती है तो वो उसे जबरदस्ती करने लगा था। तभी क्याओ आकर फेंगमी को जैकेट उड़ा देता है। फेंगमी तो उसका हीरो स्टाइल देख एकदम हैरान। क्याओ कहता है, मेरी गर्लफ्रेंड को ले जाना चाहता है, मैं चलूं क्या साथ में? तो वो लड़का भाग जाता है। फेंगमी खुश होकर कहती है, तुमने मुझे अपनी गर्लफ्रेंड कहा? बट वो अपनी कार में बैठ जाता है तो फेंगमी ऐसे थैंक यू कार की विंडो पे किस करके चली जाती है। वुजिन यांग की दवा लगा रही थी बट वो अभी भी गुस्सा था तो कहती है, वो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड था और मेरे सारे पैसे लेके किसी और से एंगेजमेंट कर ली। यांग वाज लाइक, तुम्हें जाके उसे और पीटू? वो कहती है, नहीं अब तो मैं उसे भूल भी गई, पर उस इंसिडेंट के बाद मुझे लव करने से डर लगता है। ऐसा नहीं है कि तुम मेरे लिए सही नहीं हो, बात यह है कि मुझ में तुम्हें एक्सेप्ट करने की हिम्मत नहीं है। सॉरी यांग, इसमें मेरी गलती है। तो यांग उसे हक कर लेता है। नॉर्मन सोचती है, मैं क्यों फालतू की उम्मीदें रख रही हूँ, वो डेविल तो किसी और को लाइक करता है। तभी सारी लाइट्स ऑन हो जाती है जो वहाँ पे डेकोरेशन थी और उसके गोमे की बड़ी सी फोटो लगी थी। नॉर्मन तो एकदम हैरान। मिस्टर गु नॉर्मन को कंग्रेचुलेशन करके ब्रेसलेट पहनाता है और किस करने लगा था। वो रोकती है तो कहता है, मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ। तो दोनों किस कर लेते हैं। नॉर्मन समझ जाती है कि मिस्टर गु उसे ही लाइक करता है, किसी और को नहीं। मिस्टर गु फोन कर कहता है, मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ, आ जाओ वहाँ पे। वो मना करती है तो कहता है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा, तुम मुझे जब चाहे रिप्लाई दे सकती हो। तो नॉर्मन उसे गुड नाइट करके सोने को कहती है, बट वो कहता है, मुझे नींद नहीं आ रही, गाना गा के सुनाओ। वो गाना सुनाती सो जाती है और वो हंस रहा था। नेक्स्ट डे वो भाग के एलिवेटर में आती है बट मिस्टर गु वाज लाइक, तुम 2 मिनट लेट हो तो हाफ सैलरी कट। तभी क्या होकर कहता है, तुम हमेशा लेट हो जाती हो, अगर प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट नहीं हुआ तो प्रेजिडेंट तुम्हारी सैलरी काट लेंगे। नॉर्मन गुस्सा होकर चली जाती है बट मिस्टर गु क्या को कहता है, तुम भी अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेना 2 दिन में वरना तुम्हारी भी सैलरी कटेगी। क्या कहता है, पर मेरा बड़ा प्रोजेक्ट में तो बहुत टाइम लगेगा, तू इतना भी जालिम नहीं है ना? मिस्टर गु वाज लाइक, सॉरी मैं हूँ जालिम। क्या काम करता करता फेंगमी का भेजा हुआ लेटर रख लेता है। मिस्टर गु नॉर्मन को डिनर करने का मैसेज करता है बट मिस्टर गु की स्टेप मॉम उसे बात करने के लिए ले आती हैं कि तुम मिस्टर गु को मनाओ कि वो घर आके रहने लग जाए, वो तो तुम्हारी हर बात मानता है। नॉर्मन कहती है, पता नहीं वो मेरी बात मानेगा भी या नहीं, पर मैं उसे एक बार कह दूंगी। इधर मिस्टर गु नॉर्मन का वेट करता करता वहीं आ जाता है और नॉर्मन को ले जाने लगा था। स्टेप मॉम रोकती है तो कहता है, दूर रहो मुझसे, तुम मेरी मॉम नहीं हो। नॉर्मन कहती है, तुम्हें अपने बड़ों से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, तुम हमेशा ही ऐसे। तो मिस्टर गु उसका हाथ छोड़ के चला जाता है पर नॉर्मन उसे ढूंढने भागती है।
फेंग मी वुजिन को यांग का नाम लेके छेड़ रही थी। नोनोनो से मिस्टर गु के बारे में पूछती है, पर उन्हें भी नहीं पता था। तो वो क्या को बताती है कि मिस्टर गु कहीं मिल नहीं रहा और वो दोनों मिलके उसे ढूंढते हैं। मिस्टर गु बैठा था तो नोनोन वहाँ जाती है, बट वो उससे मिलने से मना कर देता है क्योंकि तुम भी बाकियों की तरह मुझे अजीब समझती हो। नोनोन कहती है, मेरा वो मतलब नहीं था। क्या तुम मुझे पूरी बात बता सकते हो? अगर नहीं बताना चाहते तो मैं वेट करूंगी। और जाने लगती है। मिस्टर गु उसका हाथ रोक के बताने लगता है, इनफैक्ट बचपन में उसकी मॉम ने अपने बेस्ट फ्रेंड को डैड के साथ कंपनी हैंडल करने के लिए हायर किया था, बट फिर मॉम को शक होने लगा था कि डैड का बेस्ट फ्रेंड के साथ अफेयर है। और उसके बर्थडे वाले दिन डैड वापस आए तो मॉम उन्हें डाइवोर्स के लिए कहने लगी और मुझे लेकर ले जाने लगी थी। डैडी और बेस्ट फ्रेंड रोकते हैं, बट मॉम इतने गुस्से से गाड़ी चला रही थी और कहती है कि गु तुम अपने डैडी को कभी माफ मत करना, पर उनका एक्सीडेंट हो जाता है। नोनोन उसे हकर कहती है, डोंट वरी मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। तो मिस्टर गु भी उसे हकर लेता है। जब मिस्टर गु उसे घर छोड़ के जाने लगा था तो वो भाग के उसे हकर के कहती है, तुम्हें रिप्लाई चाहिए था ना, तो ये रहा, और उसे किस कर देती है। वो बड़ा खुश होता है। क्या वो फेंगमी का भेजा हुआ खाना देख के खुश होता है और वो उसे देख के। अब तो मिस्टर गु और नोनोन में सीक्रेट ऑफिस रोमांस स्टार्ट हो गया था और दोनों एक दूसरे को हट पास करते हैं। क्या वो मिस्टर गु की स्माइल देख हैरान। फेंग मी उसे हट भेजती है बट वो फाइल से रोक देता है। नोनोन जब फाइल दिखाने आती है तो वो कहता है, इसमें तो बहुत मिस्टेक्स हैं, इधर आओ। वो आकर पूछती है कहाँ पे, बट वो उसे पकड़ के अपनी गोद में गिरा लेता है और कहता है, मेरा नाम लो गु। वो मना कर जाने लगती है तो मिस्टर गु उसे पकड़ के किस करने लगता है और कहता है, जब तक तुम मेरा नाम नहीं लोगी किस करता रहूंगा। क्या वो पता चल गया था और मैनेजर आ जाता है तो वो मैनेजर को अंदर धक्का मार देता है। तो नोनोन टेबल के नीचे छुप जाती है। मैनेजर बेचारा तो अपनी टकली भी दिखा देता है तो नोनोन को हंसी आ रही थी। वो उसे फाइल पे साइन करने को कहती है बट वो उसके हाथ पे सिग्नेचर कर देता है। यांग ने डबिंग स्टूडियो वुजिन की पसंद से डेकोरेट कर दिया था तो उसका फ्रेंड उसकी गर्लफ्रेंड बोल के छेड़ने लगा था। तभी फ्रेंड सेक्रेटरी से टकरा जाता है और उस पर फ्लैटी हो गया था, बट वो भाग जाती है। इधर ये दोनों गेम खेलते हैं, बट नोनोन चुटकियों में मिस्टर गु को हरा देती है और चढ़ाने लगी थी, बट वो कहता है, मैं इस पूरी कंपनी का बॉस हूँ और तुम अभी अपने बॉयफ्रेंड के साथ हो, बट वो ब्लश करके भाग जाती है। नोनोन सारा काम खुद कर रही थी तो वो उसके लिए हेल्पर रखने को कहता है, बट वो मना कर देती है। मिस्टर गु कहता है, मैं बाकी बॉयफ्रेंड्स की तरह तुम्हें डेट और शॉपिंग पे नहीं ले जा पाता, क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता? वो कहती है, क्योंकि मैं थोड़ी थोड़ी चीजों में हरी खुशी ढूंढ लेती हूँ, लाइक गेम खेलना और साथ में काम करना, और मुझे तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है। फिर वो उससे उसकी एलर्जी के बारे में पूछती है और बताती है कि तुम्हें खुद पे भरोसा रख के अपनी प्रॉब्लम्स का सामना करना चाहिए और लोगों से घुलना मिलना चाहिए और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो दोनों घूमने चाहते हैं, बट भीड़ को देख मिस्टर गु भागने लगा था और वो उसे पकड़ती है। वुजिन फोन पे बताती है कि सब लोग यांग के स्टूडियो ओपन पार्टी में जा रहे हैं, तो वो भी मिस्टर गु को ले जाने लगी थी। वो हिचकिचा रहा था तो कहती है, आज मैं यांग को अपने बॉयफ्रेंड से मिलवाने वाली थी। तो वो आ जाता है और यांग से हेलो करता है, बट यांग तो मुंह बना रहा था। नोनोन वाज लाइक, अभी तमीज नहीं है क्या? बट यांग मिस्टर गु को अंदर बात करने के लिए ले जाता है। तो क्या वो कहता है, मैं हैंडल कर लूंगा। यांग कहता है, मैं नोनोन का भाई हूँ तो मुझे क्यों नहीं पता कि तू उसके साथ क्यों फिरता है और किसने किसे पहले कन्फेस किया। मिस्टर गु कहता है, मैंने, और हम अभी सीक्रेट रिलेशनशिप में हैं। पर तुम्हारा क्या, तुम्हारा तो उसकी सीनियर वुजिन के साथ चक्कर चल रहा है, पता है ना कंपनी में ऑफिस रोमांस अलाउड नहीं है, पर मैं तेरी हेल्प कर सकता हूँ। यांग वाज लाइक, नहीं कोई जरूरत नहीं ब्रदर इल्ला, मेरी सिस्टर को मत बताना, मैं तुम्हें अपनी सिस्टर ही दे देता हूँ। और तीनों चेयर्स का ड्रॉइंग करते हैं। इन तीनों को चिंता हो रही थी और अंदर आके देखती हैं वो तीनों टल्ली पड़े हैं, नशेड़ी बॉयफ्रेंड। तीनों एटीट्यूड में चल रहे थे पर उल्टी आ जाती है और तीनों गर्लफ्रेंड्स उनके पीछे। वुजिन यांग को पकड़ के ले आती है और उसे सोफे पे लटा के जाने लगी थी। वो कहता है, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, आई लाइक यू। फेंगमी क्याओ को पकड़ती है, उसे अपनी गर्लफ्रेंड बोल देता है तो वो खुश होके कहती है, तो मुझे आई लाइक यू बोलो ना। बट क्या उसे क्लोज करके किस करने की बजाय फिजिक्स के फॉर्मूले पूछने लगा था। वो गुस्सा होती है तो कहता है, तुम्हें फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं, बस मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, मुझे सिर्फ खुशी का टेस्ट करना है।
जब वो सो जाती है तो उसे किसका लेता है। मिस्टर गु पोल से चिपटा हुआ था पर नॉनन को देखते भाग पड़ता है, तो वो उसके पीछे पीछे और उसे ठंड लगती देख जैकेट उड़ाती है, बट वो उसे पकड़ के हक्का लेता है। मॉर्निंग में नॉनन मिस्टर गु के लिए पॉलिश बना के रखे गई थी, तो वो उस पे लिप्स बनाकर इंस्टा पे पोस्ट कर देता है। मिस्टर गु नॉनन को अपने प्रोजेक्ट का लीडर बना देता है, तो वो खुश होके अपनी टीम के साथ काम पे लग जाती है। रुआया फॉरन से वापस आ गई थी ताकि मिस्टर गो को अपना बना सके। फेंग में खुशी का टेस्ट ढूंढने जाती है, तो रास्ते में उसे एक खुशी का टेस्ट नाम से शॉप मिलती है। मिस्टर गो नॉनन को मैसेज कर कहता है आई मिस यू, बट वो मीटिंग में बिजी थी और बेचारा मिस्टर गो उसको वेट करता करता थक गया था। जब नॉनन देखती है कि वो लेट है तो वो भागती है, बट मिस्टर गो उससे गुस्सा था तो कहती है तुम कितने क्यूट लग रहे हो। वो और भूल जाता है तो सॉरी बोलती है कि मैं फिर से कभी लेट नहीं होंगी। मिस्टर गु किस मांगता है, वो कहती है नहीं कोई देख लेगा, और फिर इधर उधर देख के आइस बंद करके किस करने वाली थी, बट वो ऊंचा हो जाता है तो वो गुस्सा होके जाने लगती है, बट वो उसे गोद में उठा के किस करने लगता है। रॉय ये सब देख के चिढ़ जाती है। मॉर्निंग में नॉनन पहले चली गई थी तो वुजन भी जाने लगती है, बट वो लिपस्टिक लगाना भूल गई थी तो यांग उसे पकड़ के लिपस्टिक लगाने लगता है और वो उसे गौर से देखने लगी थी, बट नॉनन की आवाज सुन उसे सोफे के पीछे धक्का मार देता है। नॉनन अपनी नोटबुक लेने आई थी पर यांग को ऐसे खड़ा देख उसे शक होता है कि वो उसे कुछ छुपा रहा है। यांग वाज लाइक नहीं तो तुम अपनी नोटबुक तो ले जाओ। वो लेने भागती है तो यांग वुसिन को बालकनी में छुपा देता है। नॉनन को फिर से शक होता है। यांग कहता है बालकनी में आंटी की शैतान बिल्ली होगी, पर वुसिन को देख आंटी डर जाती है। नॉनन कहती है अगर मुझसे कुछ छुपाया ना तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, और उसके जाते ही वुजिन गुस्से से जाने लगती है। यांग उससे माफी मांगता है पर वो उसके मार के भाग जाती है। नॉनन काम में इतनी बिजी थी कि मिस्टर गुस्से अपने हाथों से केक खिला रहा था और उसे सहलाने लगता है इससे पहले कि किस होता। क्याओ उन्हें देख लेता है तो नॉनन बहाना मार के भाग जाती है। क्याओ के बताने पे मिस्टर गु हुआचन कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट से मिलने जाने का फैसला करता है, बट वहाँ पे न्यूज वाले उसे घेर लेते हैं जिससे मिस्टर गु की हालत खराब होने लगी थी। तभी वहाँ पे रुआया आती है जो रिपोर्टर्स को भगा देती है। फेंगमी क्याओ को खुशी का टेस्ट वाली शॉप पे ले आती है, जहाँ पे इतना टेस्टी खाना खाकर क्याओ हैरान, पर पता चलता है कि शॉप के ओनर क्याओ की मॉम है जो बचपन में नशेड़ी डैड की वजह से उसे छोड़कर चली गई थी, इसलिए वो मॉम से नफरत करता है। जबकि मॉम उससे माफी मांगती है बट वो चला जाता है। इनफेक्ट कॉलेज टाइम पे उसके अकेले ग्रैंडपा की भी डेथ हो गई थी और उसे अकेला रहना पड़ा। हम नोटिस करते हैं कि एक न्यू एम्प्लॉय नॉनन के हार्ड डिस्क चला के से गिराते टाइम चेंज कर देता है। नॉनन हार्ड डिस्क चला के देखती है तो उसका कंप्यूटर हैंग हो जाता है, जबकि उसे कुछ समझ नहीं आता। मिस्टर गु का फोन नहीं लग रहा था तो वो थोड़ा परेशान थी। फेंग में क्याओ को रोकती है बट वो कहता है तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो, मैं तुम्हें कभी लाइक नहीं कर सकता। तुम्हें तो एक फैमिली की हर खुशी मिली है पर मैं तुम्हें वो खुशी नहीं दे सकता, सो गेट आउट फ्रॉम माई लाइफ। वो चला जाता है तो फैंगमी रोने लग जाती है। नॉनन आके उसे छुपाने लगती है जबकि क्याओ भी रो रहा था। रोआय मिस्टर गु को कोलैबोरेटर करने को कहती है, पर जब उसे पता चलता है कि रोआय उस पे और नॉनन पे नजर रख रही है तो वो उनसे दूर रहने को कह के चला जाता है। और नॉनन से मिलने आता है तो वो बड़ा खुश होती है, बट वो उसे आई मिस यू बोलकर बार बार किस कर रहा था और कहता है चाहे जो मर्जी हो जाए हम कभी एक दूसरे को छोड़ेंगे नहीं, ब्रेकअप नहीं करेंगे। वो हाँ करती है तो उसे हक्का लेता है, बट नॉनन का उसके बिना रूम में जाने का मन नहीं कर रहा था और वो बार बार भाग के उसे हक कर रही थी। मॉर्निंग में मिस्टर को पता चलता है कि उनके न्यू गेम में वायरस आ गया जो किसी ने कल रात ही इंस्टॉल कर दिया था, वो भी कंपनी के बाहर से नहीं अंदर से, और सीसीटीवी में नॉनन ये सब कर रही थी। नॉनन को टीममेट बताते हैं कि उसके जैसे प्रोजेक्ट हुआचन कंपनी ने लॉन्च कर दिया। वो मिस्टर गो को बताने चाहती है बट नॉनन की हार्ड डिस्क से ही वायरस इंस्टॉल हुआ था, तो सब उस पर शक करते हैं कि नॉनन ने राइवल कंपनी को अपना प्रोजेक्ट बेच दिया। नॉनन कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं अपना प्रोजेक्ट क्यों बेचूंगी जिसे पूरा करना मेरा सपना है, मिस्टर गो मेरा ट्रस्ट करो। बट वो सबको बाहर भेज देता है और क्या को बताता है कि जरूर ये सब रोआई ने करवाया होगा पर हमें नॉनन को इस सब के बीच में नहीं खचेड़ना। मिस्टर गु के डैड को एक कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है और उन्हें पता चल गया था कि दोनों फेक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होने का नाटक कर रहे हैं, तो वो मिस्टर गु को थप्पड़ मारने वाले थे पर नॉनन आगे आ जाती है और मिस्टर गु उसे प्रोटेक्ट करने लग जाता है। डैड गुस्से होकर चले जाते हैं
दोनों एक दूसरे की चिंता कर रहे थे। मिस्टर गु कहता है, मुझ पर भरोसा रखना, मैं सब ठीक कर दूंगा, और उसे किस करके चला जाता है। शाम होने लगी थी बट वो अभी तक नहीं आया था, तो क्या वो बताता है कि मिस्टर गु जरूर रॉय के पास चला गया होगा। इधर मिस्टर गु रॉय को कन्फ्रंट करता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो सब तुम्हारे प्लान था ना। वो मना करती है और बताती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, पर तुम हमेशा मुझे इग्नोर और रिजेक्ट करते हो, पता है मैंने क्या क्या सहा है। शैन के दी एड्रेस पे नॉन नॉन आती है, पर रॉय को मिस्टर गु को हक करते देख लेती है, और उनकी पुरानी फोटोज भी शैन ने उसे सेंड कर दी थी। नॉन को देख मिस्टर गु उसके पीछे भागता है, बट वो रो रही थी और कहती है, दूर रहो मुझसे, वो तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड है ना, तुम सीक्रेटली उसे मिलने आए, उसके हक करने पे तुम्हें इसलिए एलर्जी नहीं हुई क्योंकि तुम उसे लाइक करते हो। मिस्टर गु उसे मना कर रहा था बट वो उसे ब्रेकअप करके भाग जाती है। जबकि मिस्टर गु बेहोश होकर गिर जाता है, तो क्या वो उसे पकड़ के ले आता है। होश में आते ही वो नॉन को ढूंढने जाने लगा था, बट गेम कंपनी का इतना लॉस होने की वजह से सारे एम्प्लॉयज जॉब छोड़ के जा रहे थे। इधर नॉन भी रो रही थी, पर मिस्टर गु को रॉय का फोन आता है। रॉय मिस्टर गु को फोन कर ऑफर करती है कि मुझसे कोऑपरेशन कर लो, तुम्हारी कंपनी डूबने से बच जाएगी, बट मिस्टर गु उसका ऑफर ठुकरा देता है। तभी यांग आकर मिस्टर गु को गुस्सा मार देता है, क्या उसे पकड़ता है, पर यांग गुस्से में था कि तूने मेरी सिस्टर के साथ क्या कर दिया जो वो घर छोड़ के चली गई, और लेटर फेंक के चला जाता है। मिस्टर गु लेटर में देखता है, लिखा है मेरा लक खत्म हो गया, तो वो सैड होता है क्योंकि मिस्टर गु नॉन को बहुत मिस कर रहा था, पर उसे नॉन के टेबल पे मैजिक ग्लासेस और एक नोट मिल जाता है, तो वो नॉन के होम टाउन जाता है। पड़ोस की आंटी मॉम को नॉन की उस हैंडसम लड़के से शादी करने की एडवाइस देती है, बट मॉम वाज लाइक, सिर्फ शक्ल सुंदर होने से कुछ नहीं होता, दिल भी तो ऐसा होना चाहिए जो मेरी बेटी को खुश रखे। डैड मिस्टर गु को साथ में ड्रिंक करने को कहते हैं, जबकि बाकी मॉम की तरह मॉम डैड को डांट देती है, तो डैड बताते हैं कि पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चों का भला ही चाहते हैं। नॉन को लगता है कि वो अनलकी है, पर मुझे लगता है किस्मत को भी मेहनत से बदला जा सकता है, इसलिए तुम दोबारा ट्राई करो। मिस्टर गु नॉन के रूम में उसकी बचपन की फोटो देखता है, तो उसे याद आता है कि जिस हॉस्पिटल में वो एडमिट था वहाँ नॉन भी थी। यांगमी की तबीयत खराब थी और हॉस्पिटल भी नहीं जा रही थी, तो उस दिन क्याओ को फोन करने वाली थी, तो वो मना कर देती है क्योंकि उसके मॉम डैड ने उसे फॉरन बुलाया था, पर वो क्याओ को छोड़ के नहीं जाना चाहती। इधर क्याओ देखता है कि उसकी मॉम अपने छोटे बेटे के साथ है। मिस्टर गु ने ना तो कंपनी और ना ही नॉन पे गिव अप किया था, इसलिए कंपनी क्याओ को संभालने को बोलकर खुद नॉन को मनाने चला जाता है। इधर नॉन को पार्ट टाइम जॉब पे डांट पड़ रही थी, तो वो पैम्पलेट्स बांटने जाती है, पर पैरट ने से बुड़क के सारे पैम्पलेट्स बिखर जाते हैं, तो बॉस चिल्ला पड़ती है, बेचारी नॉन किस्मत के मारी, पर हार नहीं मानती। यांग घर पे नॉन का वेट कर रहा था, बट उससे गलती से लिपस्टिक पे पैर रखा जाता है। नॉन घर आती है तो मिस्टर गु खड़ा उसका वेट कर रहा था, वो भागने लगती है और मिस्टर गु उसके पीछे। वुजिन को देख यांग उसकी लिपस्टिक छुपाने लगा था, पर वो एक्सीडेंटली उसके मास्क पे लिपस्टिक वाला पैर रख देता है, तो सॉरी बोलता है कि मैं नहीं ला दूंगा, बट वो कहती है ये मेरी लिमिटेड एडिशन लिपस्टिक थी, और उसे घर से बाहर फेंक देती है। जबकि वो गेट खोलने को बोल रहा था, तभी नॉन भी घर आकर गेट बंद कर लेती है। फिर क्या, दोनों अपनी अपनी वाली को आवाज मारते हैं। वुजिन यांग को जैकेट दे के गेट बंद कर लेती है। मिस्टर गु हंस पड़ता है, तभी नॉन भी मिस्टर गु को डांट के गेट बंद, यांग को हंसी आ जाती है। उनके चिल्लाने पे दोनों गर्लफ्रेंड उनपे चिल्ला के गेट बंद। मॉर्निंग में दोनों उठ के देखती हैं कि पहले से ब्रेकफास्ट बना रखा है, इनफैक्ट ये यांग और मिस्टर गु ने किया था, तो दोनों को कुल्ला हो जाता है। नॉन कहती है वो यांग भी तुम्हारी हेल्प कर रहा है, मिस्टर गु तुम पगला गए हो क्या, हमारा ब्रेकअप हो गया। वो कहता है हाँ मैं तुम्हारे लिए पागल हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, ब्रेकअप हुआ तो हम फिर से स्टार्ट कर सकते हैं, पर वो इम्पॉसिबल बोल के चली जाती है। बॉस आकर बताती है कि नया वेटर आया है, बट वो मिस्टर गु को देख हैरान, इनफैक्ट मिस्टर गु ने बदले में बॉस को स्नैक्स दिए थे। नॉन उसे कंपनी संभालने को कहती है, और तुम्हारी लड़की का क्या होगा, वो कहता है वो तो क्या संभाल रहा है, इसलिए पार्ट टाइम जॉब करने आया हूँ, और जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे लड़की से डर नहीं। फिर वो सारे कस्टमर्स को हैंडल कर रहा था। नॉन को तो अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मिस्टर गु ने स्माइल किया। क्या वो इनडायरेक्टली वुजिन से फेंगमी के बारे में पूछता है, तो वो बता देती है कि फेंगमी अभी तुम्हें बहुत लव करती है, इससे उसे फौरन जाने से रोक लो वरना बाद में बहुत पछताओगे। बॉस बोल देती है कि जो ज्यादा कस्टमर्स लाएगा वही जॉब पे टिक पाएगा, तो नॉन टेडी बन के नाच नाच के पैम्पलेट्स बांटने लगती है। बट जैसे ही मिस्टर गु पिकाशु बन के आता है, सब गर्ल्स पैम्पलेट्स के लिए भीड़ लगा लेती हैं। बॉस हंसती है, बट नॉन को तो पोपटी हो गया था।
जब मिस्टर गुन नॉर्मन को गिरने से बचाने वाला था, उसके हाथ पे कॉफी गिर जाती है। वो लड़की माफी मांगती है, बट उसने उसके हाथ को टच कर लिया था। नॉर्मन पूछती है, मिस्टर गुन तुम ठीक हो? बट वो भाग पड़ता है क्योंकि उसे एलर्जी होने लगी थी। नॉर्मन रोने लगती है और उसे होश में लाने के लिए आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देने लगी थी। क्या वो देखता है कि मॉम से सामान नहीं उठ रहा, तो वो भागता है, पर छोटा बेटा मॉम की हेल्प कर देता है। फैंगमी आकर कहती है, मुझे पता है तुम अब भी अपनी मॉम को लव करते हो, तो क्यों खुद के दिल को लॉक कर रखा है? तुम्हारी मॉम अपनी लाइफ में आगे बढ़कर खुश हैं, तुम्हें भी आगे बढ़ना चाहिए। और उसे पकड़ के किस कर देती है, तो कहती है, सीनियर आई लाइक यू, 99th बार मैंने कन्फेस किया और शायद आखिरी बार भी। और चली जाती है, जबकि क्या रो रहा था। यांग वुसिन को मनाने जाता है, बट वो कहती है, अब हम कभी नहीं मिलेंगे। वो पूछता है, पर क्यों? क्या मैंने फिर से कोई गलती कर दी? क्या लिपस्टिक तोड़ दी कोई? वो कहती है, बात लिपस्टिक नहीं है, बात ये है कि मैं तुमसे लव नहीं करती। और जाने लगी थी, पर यांग भाग के जा उसे पकड़ के जबरदस्ती किस करने लगता है। मिस्टर गो के होश में आते ही नॉर्मन उसे डांट के जाने लगती है, बट वो कहता है, मेरा रॉय से कोई लेना देना नहीं। वो कॉलेज में मेरी जूनियर थी, उसका मुझ पे क्रश था, बट एलर्जी की वजह से मैंने उसे कभी टच नहीं किया और ना ही मैं उसे लाइक करता हूँ, सिर्फ तुम्हें करता हूँ लाइक। वो कहती है, मैं तुम दोनों को हक करते देख जेलस थी, और वैसे भी हमें कुछ ठीक नहीं है। कंपनी में मुझ पे झूठा आरोप लगा दिया, तुम्हारे डैड भी मुझसे नफरत करते हैं। उसे हक कर कहता है, बस तुम साथ हो तो मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। और बताता है कि बचपन में जब मुझे स्टेप मॉम के टच करने पे एलर्जी होती थी, तो तुम्हारे प्यार से टच करने पे मैं ठीक हो गया था, और इसलिए अब मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। फिर तो नॉर्मन जहाँ भी जाती मिस्टर गो उसके आगे पीछे, वो उसे इग्नोर करती है, पर अंदर ही अंदर उसकी परवाह भी थी। क्या और यांग मुलट का के कैफे आते हैं, क्या वो कहता है, मेरी वाली मुझे अब और लाइक नहीं करेगी। यांग वाज लाइक, पर मेरी वाली तो बिल्कुल भी लाइक नहीं करती। मिस्टर गो कंग्रेचुलेट करता है, तो कहते हैं, तेरी वाली कौन सा पट गई, और उसे मारने लगे थे। नॉर्मन जॉब पे आती है, पर उसे देख भागने वाली थी। बॉस रोकती है, तो बीमार होने का बहाना मार के भाग जाती है। उन दिनों को रोने की आवाज आती है, तो बाहर आके देखते हैं एक बच्चा पालने में पड़ा रो रहा है। पर ये बच्चा है किसका? क्या और यांग मिस्टर गु को बच्चे को हैंडल करने को बोल देते हैं, और बच्चा भी सिर्फ मिस्टर गु की गोद में ही चुप रहा था। नोट पे लिखा था, कैफे वाले बच्चे को एक दिन के लिए संभाल लें, बट बॉस मना करके चली जाती है। नॉर्मन फैंगमी को समझाती है कि तुम्हें क्या को थोड़ा टाइम देना चाहिए, क्योंकि वो फॉरेन जाने की तैयारी कर रही थी। तभी वुसिन आकर उन्हें बच्चे की बात बताती है, वो हैरान। इधर ये तीनों बेबी को छुपाने की बहुत कोशिश कर रहे थे, पर बेबी गोद में भी नहीं छुपती, तो क्या और यांग उसके लिए मिल्क लेने भागते हैं। ये तीनों फोन से उनकी हालत देख के हंस रही थी। बेबी छुपने पे तीनों चैन की सांस लेते हैं, पर बेबी पॉटी कर देती है, पर साफ कौन करेगा। क्या और यांग भाग जाते हैं। मिस्टर गो नॉर्मन को फोन कर बुलाता है, तो दोनों अपना मास्क ग्लव्स पहन के बेबी का डायपर चेंज करते हैं, पर देखने में ऐसा लग रहा था जैसे ऑपरेशन कर रहे हों। नॉर्मन देखती है मिस्टर गो कितने अच्छे से बेबी की केयर कर रहा है, यानी फ्यूचर में अच्छा डैड बनेगा। पर हैरानी की बात ये थी कि मिस्टर गो को बेबी से एलर्जी नहीं हुई, जबकि वो बेबी गर्ल है। यानी मिस्टर गो को सिर्फ उन्हीं से एलर्जी होती है जिससे उसे लगता है कि वो उसे चोट पहुंचा सकते हैं। पास्ट में हम देखते हैं मॉम ने मिस्टर गो को आंटी से दूर रहने के लिए कहा था, इसलिए जब आंटी ने उसे टच किया तो उसे एलर्जी हुई, जबकि आंटी हमेशा उसकी केयर करती थी। बेबी की मॉम उनका थैंक यू करके बेबी को ले जाती है। मिस्टर गो नॉर्मन को अपनी मॉम की ग्रेव पे लेके आता है, पर वहाँ पे आंटी यानी स्टेप मॉम और डैड थे। वो वापस चलने को कहती है, बट वो डैड से सॉरी बोलता है कि हमने पहले नाटक किया, पर मुझे सच में नॉर्मन से लव हो गया और सब सॉर्ट आउट करने आया था। डैड भी उसे बता देते हैं कि उन्हें कंपनी में फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, तो आंटी ने उनकी हेल्प की, पर मॉम को गलतफहमी हो गई कि उनका आंटी से चक्कर चल रहा है, क्योंकि ड्रग्स लेने से मॉम की मेंटल प्रॉब्लम हो गई थी। और डैड ने तो मॉम के मरने के 3 साल बाद आंटी से शादी की थी, और आंटी ने तो बेबी कंसीव करने से भी मना कर दिया था, क्योंकि वो मिस्टर गो को अपने बच्चे की तरह पालना चाहती थी। बाप बेटे में सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी, और मिस्टर गो भी स्टेप मॉम को अपनी फैमिली मान लेता है, जिससे वो बहुत खुश थी। फिर वो मॉम को फ्लावर देती है, तो मिस्टर गो मॉम को बता देता है कि मैं नॉर्मन को लाइक करता हूँ, इसलिए उसके साथ ही अपनी लाइफ अच्छे से स्टार्ट करूंगा। क्या वो अपनी मॉम को दूर से देख रहा था, तो उसे फैंगमी की बातें याद आती है। उसने उसे फोन कर बताती है कि फैंगमी आज ही फॉरन जा रही है, तो वो भागता है। इधर फैंगमी फॉरन जाने के लिए एयरपोर्ट जा रही थी, तो क्या वो भाग के जा उसे रोकता है और पेपर्स दिखा के आई लाइक यू बोलता है। वो रोने लगती है, तो दोनों हग करते हैं। उस दिन घर आके देखती है यांग ने डेकोरेशन कर रखा है, और उसे लिपस्टिक दिखाकर शादी के लिए प्रपोज करता है, क्योंकि उसे उनके एज गैप से फर्क नहीं पड़ता।
वुजिन वाज लाइक नॉनन हमारे बारे में क्या सोचेगी। तो यांग नॉनन को वीडियो कॉल कर बता देता है कि मैं वुजिन को लाइक करता हूँ। वुजिन भी उसे आई लाइक यू बोल देती है तो वो उसे हक कर लेता है। नॉनन हैरान थी। देन मिस्टर गो वाज लाइक हाँ तुम्हारे अलावा ये बात पूरी दुनिया को पता है। बट वो कहती है ज्यादा उछलो मत मैं तुमसे अभी भी गुस्सा हूँ। तो वो उसे करीब कर किस कर लेता है और ब्रेसलेट पहना देता है। नॉनन भी मान जाती है। रॉय मिस्टर गो की कंपनी में कब्जा करना चाहती थी बट वो दोनों भी उसे सबक सिखाने के लिए रेडी थे। फिर वो मिस्टर गो से बात करने आती है पर नॉनन वाज लाइक मेरे होते हुए नाची नाची और उसे बताती है कि लव का असली मतलब उसे खुश देखना है ना कि फोर्स करना। मिस्टर गो मुझे लाइक करता है और मैं उसे कभी नहीं छोड़ने वाली। फिर वो सब मिलकर काम पे लग जाते हैं गेम को एडवांस करने में। पुराने एम्प्लॉयर्स वापस आ गए थे। नॉनन ने गेम कम्प्लीट कर दिया था। रॉय न्यूज में मिस्टर गो की कंपनी पे आरोप लगाती है कि उन्होंने उनकी गेम चुराई है। बट क्या होकर सबको वीडियो क्लिप दिखा रहा था जिसमें एक न्यू एम्प्लॉय ने नॉनन की हार्ड डिस्क एक्सचेंज करते हुए चुरा ली थी और यांग ने रॉय के ऑफिस में सीसीटीवी लगा दिया था जिसमें रॉय और शेन गेम चुराने की बातें कर रहे थे। शेन भी सच्चाई का साथ देता है यानी मिस्टर गू का जिससे रॉय गलत प्रूव हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं नॉनन मैजिक ग्लासेस लगा के देखती है गोल्डन स्पार्क वाला लड़का और भागती है पर वो तो कोई और था और गिरने वाली थी तभी मिस्टर गू आकर उसे पकड़ लेता है। नॉनन हैरान थी कि मैजिक ग्लासेस गलत क्यों बता रहे हैं। वो कहता है कॉज ये फेक है। उस अंकल ने झूठ बोला था कि रियल में ये सिर्फ गेम्स के लिए बनाए गए थे क्योंकि किस्मत मैजिक ग्लासेस से नहीं सिर्फ मेहनत से ही बदली जा सकती है। और उसे किस करता है। क्या और फेंगमी और वुजिन और यांग भी साथ हो गए थे और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ स्टोरी का एंड हो जाता है। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना फिर मिलेंगे एक न्यू स्टोरी के साथ।